हे हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आरजे मनोज है। रेडियो सिटी पर हर सुबह 7 से 11 मुझे सुनते हो और मेरे वीडियोस के थ्रू हम आपको लेकर चलते हैं कमाल की जगहों पर। पूरा जमशेदपुर, पूरे झारखंड के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और आज हम आए हैं हमारे सिटी के एक ऐसी जगह पर जो फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी कमाल की यूनिवर्सिटी बट मैंने तो नहीं सुना ना ही देखा है जहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट्स को फिटनेस के लिए मोटिवेट किया जाता है। यहाँ पर जिम की फैसिलिटी है, यहाँ पर टेम्पल है सो दैट यू बी एट पीस, यहाँ पर सोलर लाइट से चलने वाली बिल्डिंग है ताकि एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, लोगों को इंस्पायर किया जा सके, एनर्जी फ्यूचर के लिए बचा कर रखिए। एट द सेम टाइम यहाँ का पूरा कैंपस का जो वाइब है वो बहुत ही अमेजिंग है। सो मैं हूँ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी पे और ये पोखरियो में है और यहाँ पर ट्रैवल करते समय बहुत मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी क्योंकि कुछ साल पहले भी मैं यहाँ पर आया था और तब और आज में बहुत फर्क आ गया है। तो ये पूरा कैंपस आज हम देखने वाले हैं रेडियो सिटी सिटी कैंपस स्टोर में और आपको बहुत मजा आने वाला है। और इस सिटी कैंपस स्टोर के हमारे जो आईटी पार्टनर है वो है कंप्यूटर सॉल्यूशन आईटी मॉल, जहां से मेरे साथ है रोशनी और प्रियंका। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। सो वापस से लाइव में आकर मजा आ रहा है ना? और ऊपर से आप है तो फुल्ली एनर्जी। हाय हाय, क्या बात है। तारीफ के साथ शुरुआत होगी हमारे वीडियो की। एंड खास बात तो ये है कि आज ये एनएसयू के जितने भी कंप्यूटर और लैपटॉप है उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हाजिर है और सारा कंप्यूटर और लैपटॉप चेक करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री ऑफ सर्विस देते हैं हमारी कंपनी। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और क्या चाहिए। बिल्कुल, कंप्यूटर सॉल्यूशन जमशेदपुर। वैसे भी फ्री कलकत्ता भी नहीं छोड़ता, मैं तो नहीं छोड़ता, तो फिर यहाँ पे फ्री वाली सर्विस है, बिल्कुल विजिट करिए हमारे यहाँ पे। एब्सोल्युटली, सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। और अब मैं एक बहुत ही खास शख्स को अपने कैमरे में बुलाना चाहूंगा और ये है हमारे आदरणीय राजेश सर। तो सर आ जाइए, वन ऑफ द पिलर। और कितने साल हो गए सर, मतलब आप तो अभी और हैंडसम होते जा रहे हैं। थैंक यू। 2013 में ज्वाइन किया था, तब ये NSIBM था, ये नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और उस जर्नी में आगे बढ़ते हुए 2018 में हम लोग बन गए NSU, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ जमशेदपुर। वाओ, एंड फ्रॉम 2018 नाउ 22, इट्स नेवर लुकिंग बैक। हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, हर दिन नया कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कॉलेज आगे ग्रो कर रहा है और जमशेदपुर के सारे स्टूडेंट्स को जो बाहर जाना चाह रहे हैं, सोचते हैं कि जमशेदपुर में विकल्प नहीं है हमारे पास, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आइए कैंपस विजिट कीजिए हमारा और फिर देखिए और फिर एनालाइज कीजिए कि जमशेदपुर में सब चीज है कि नहीं। क्या बात है। तो देखो ये एक चैलेंज ही है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं इन्होंने यहाँ पर इतने फैसिलिटी और इतनी चीजें यहाँ पर दे दी है कि बाहर जाने का मन आपको नहीं करेगा। और आपकी इस मुश्किल को मैं आसान करने वाला हूँ, आज एक वर्चुअल टूर आपको देंगे हम यहाँ से, आपको भी मजा आने वाला है इस वर्चुअल टूर का हिस्सा बनकर। चलिए तो देखते हैं इतने बड़े कैंपस में कितने स्क्वायर फीट में लगभग फैला होगा। 25 एकड़ का कैंपस है ये, UGC गाइडलाइंस के हिसाब से है कैंपस। ओके, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ब्लॉक है, अलग अलग दो शिफ्ट में चलता है कैंपस, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ओके, मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा सारा टेक्निकल कोर्सेज चलता है और आफ्टरनून शिफ्ट में हमारा सारा मैनेजमेंट एंड आर्ट्स का कोर्सेज वगैरह चलता है। अमेजिंग। तो अभी जितने भी बच्चे मिलेंगे हमें, फार्मेसी हो गया, डिप्लोमा हो गया, नर्सिंग हो गया, ये सारे डोमेन के स्टूडेंट्स मिलेंगे कैंपस में। सेकेंड हाफ में हमें BBA, MBA, BCOM, BA ये सब स्टूडेंट्स मिलेंगे कैंपस में। ओके, तो राजेश सर हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अभी बीएड ब्लॉक, एजुकेशन ब्लॉक एंड रिसर्च ब्लॉक में। बीएड ब्लॉक में चलते हैं, हमारे जो फ्यूचर टीचर्स हैं वहीं मिलेंगे। हाँ। ओके, कैमरे के पीछे मेरे भाई सोनू है, थैंक यू सो मच। और अभी हम चलते सीधा बीएड ब्लॉक। यस सर, कुछ बोल रहे हैं। बीच में एक साई मंदिर है हमारे कैंपस में। क्या बात है, उसको विजिट करते हुए चलेंगे हम लोग, साई जी का आशीर्वाद लेते हुए। क्या बात है, सुबह शाम यहाँ पे पूजा होती है साई जी की, प्रॉपर पूजा होती है साई जी की। अभी हमने स्थापना दिवस किया था, साई स्थापना दिवस, जिसका सामने आपको फोटोग्राफ भी दिख रहा होगा जी, साई महोत्सव 2022 जो 23 को ही हुआ है कैंपस में जी। तो जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपने इतना एक होमली इन्वायरमेंट देने की कोशिश की कि बच्चों को ऐसा लगे कि हम अपने सोसाइटी में घर पे रह रहे हैं। कॉलेज एक होम ही हुआ ना सर, आप जितना टाइम घर पे रहते हैं सोचिए 50% टाइम कॉलेज में स्पेंड करते हैं जी, और कॉलेज का लाइफ आपको एक मेमोरी देता है जो जिंदगी भर आप चेरिश करते हैं जी जी। अब जी, इस मेमोरी को अगर अच्छा ना हो जी तो स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है। तो जितना हो सके इस मेमोरी को हम लोग अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं जी, ताकि बच्चे आगे इस मेमोरी को लेके लाइफ में आगे बढ़े, कुछ सीखे NSU से और उसको लाइफ में अप्लाई करे। ग्रेट, आइए मंदिर। तो आप ये देखिए यहाँ पे श्री साई टेम्पल, यहाँ पर जो कॉलेज के प्रांगण में इसकी स्थापना करी गई है। एंड आई डोंट नो आपको ये एक्सपीरियंस कब मिलने वाला है, लेकिन इस वर्चुअल टूर में आपको ये एक्सपीरियंस हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैमरे पे आप देख रहे हैं जो कैंपस के अंदर ही ये टेम्पल को इस्टेब्लिश किया गया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। एंड ये कोशिश है कि एक होमली इन्वायरमेंट रखें यहाँ पर, सो दैट बच्चों को ऐसा ना लगे
कि भाई वो घर से दूर है यू नो, और यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी है तो काफी सारे बच्चे यहाँ पे भी रहते हैं। हाँ, बॉयज गर्ल्स हॉस्टल दोनों है कैंपस में। okay, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इनिशियली हो गई थी? हॉस्टल स्टार्टिंग से चल रहा है कैंपस। देखिए हमारा 2006 में एमबीए का फर्स्ट बैच आया था, तो 2006 से 2022 एक काफी लंबा जर्नी। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एमबीए बीबीए भी ये सब कोर्सेज थे, बीसीए थे, और हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के नीचे चलते थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा सोनू भाई दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अप्रूव्ड बाय एनसीटीई भुवनेश्वर और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं जो बीएड सेक्शन के आपके जो मेगावी छात्र वो यहाँ मिलेंगे, हु दे आर द फ्यूचर टीचर्स, जो यहाँ से सीख कर अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अपनी सर्विस देंगे, वो स्टूडेंट्स बनाएंगे, वो टॉपर्स बनाएंगे। एक बहुत जिम्मेदारी होती है, टीचर का काम ही बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। जब इस इंडस्ट्री में आया था टीचिंग ज्वाइन करने के पहले लगता था कि बहुत आसान काम है, अब लगता है कि वर्ल्ड में इससे ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझाना, उनको लाइफ के लिए मोटिवेट करना, आज का जो करंट एनवायरनमेंट है उसमें उनको मोटिवेटेड रखना अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑलराइट, एंड सोनू भाई भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नेटवर्क इशू ना हो, तो इसीलिए हम बराबर उनसे आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग मूव करेंगे, तो डेफिनेटली वी डोंट वांट एनी इंटरप्शन। सो अब हम चलते हैं सीधा। ये है निशा मैम हमारी। हाय मैम, हाउ आर यू मैम? फाइन, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। एंड आर यू एक्साइटेड अपना क्लासरूम दिखाने? डेफिनेटली सर, वेलकम टू आवर क्लासरूम। चलिए, सो हम चलते हैं क्लासरूम। ऑलरेडी वहाँ पर क्लासेस चालू है। ओके, हाय, गुड मॉर्निंग यार। मुझे सर मत बोलो यार, आप लोग फ्यूचर टीचर्स हो, कल के डेट में आपको सर मैम बोलेंगे बच्चे। बैठ जाइए प्लीज। सो वी आर डूइंग अ फेसबुक लाइव, इट्स लाइव ऑन माय पेज विच इज आरजे मनोज स्पेस रेडियो सिटी। लाइक नहीं किया तो कर लेना, याद से करोगे ना? ठीक है, ये लड़के थोड़ा कम ही शोर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पूरी फुल एनर्जी यहीं पे, वहां से भी आवाज आनी चाहिए। करोगे ना पेज लाइक? वेरी नाइस। सो ये एक एकदम चलता हुआ क्लासरूम है, दे आर द फ्यूचर टीचर्स, और थोड़ा मैम से बात कर लेते हैं। मैम इधर आ जाओ। आज क्या चीज की पढ़ाई चल रही है वो भी थोड़ा बता दो। सर आज हम लोग कर रहे हैं पेडागोजी, पढ़ा रहे थे सर हम इनको। वी आर ट्राइंग टू टीच देम कि ये जब फ्यूचर टीचर्स बनते हैं तो ये अपने क्लासरूम को कैसे हैंडल करेंगे। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टीच देम क्लासरूम मैनेजमेंट। सो दिस पीपल नो, ये अपने आप देख सकते हैं डिसिप्लिन में बैठे हुए, बट जब ये क्लासरूम में जाएंगे तो इनके बच्चे इनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, ये बहुत जरूरी होता है, तो वही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैं बहुत बदमाशी भी बहुत ज्यादा करता था, तो मेरे से बच्चों को आप कैसे सुधारोगे? एक दो टिप ले लेते हैं। सो लेट्स पिक रैंडमली। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज सुमी हेमरम। ओके, तो आप जब टीचर बन जाओगे, बच्चा बदमाशी करेगा तो आप कैसे हैंडल करोगे? सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा किस टाइप का है। अच्छा, टाइप पहले? हाँ, वो किस टाइप का है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रणवीर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप है। हाँ, अगर वो बच्चा थोड़ा कॉमेडी पे ज्यादा ध्यान देता है या पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देता है, तो उसके बेस पे हम उसको समझाएंगे। ऑलराइट, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस स्टडीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी? गुड एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ का फैकल्टी और जितना भी सुविधा है सारा बहुत ही अच्छा है, घर से आने तक, फिर यहाँ से घर जाने तक, हर चीज ओवरऑल सब ठीक है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक्स। थोड़ा इधर आ जाते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई पो। यस, हाय हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? अंकिता। अंकिता, कहाँ से आते हो आप? बारेडी। बारेडी से आते हैं। सो हाउ यू लाइकिंग दिस प्लेस, द एनवायरनमेंट, और कितने दोस्त बनाए? ऑलमोस्ट तो मैं सारे क्लास से ही बात करती हूँ। सबको इंस्टाग्राम पे ऐड कर लिया? इंस्टाग्राम पे नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट। हाँ, सबसे बात, सबको शक्ल से पहचान। हाँ, कहीं अगर साक्षी वाक्षी में बैठा जाए तो हेलो हाय, हाँ, वो पहचान ही लोगे। दैट्स ग्रेट। सो टू थिंग्स यू वुड लाइक टू ऐड इन दिस वीडियो, जो एक टीचर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, एनी टू थिंग्स, इट कैन बी योर फेवरेट। टीचर का तो वॉइस पहले लाउड होना चाहिए। सीरियसली? या थोड़ा लाउड होना चाहिए, हाँ, ताकि सबको मतलब सुनाई दे सके, या फिर सर आपके क्लास में सारे बच्चे इंटरैक्ट कर सके स्टूडेंट के साथ। और टीचर को सबसे पहले मतलब अपने को लुक अच्छे से आना चाहिए प्रॉपर। एंड डोंट यू थिंक टीचर शुड बी वेरी डाउन टू अर्थ, सो दैट बच्चा कनेक्ट कर सके? हाँ होना चाहिए। यस, क्योंकि आप हो, आप हो, पर आपको पता नहीं है। एनीवे, थैंक यू सो मच। थोड़ा लड़कों के पास भी चलते हैं, वो उदास हो रहे हैं यार, उधर आ ही नहीं रहा है कैमरा। तुम लोग मिस कर रहे थे ना मुझे? Yes,
नहीं आप तो करते होंगे, ये लोग मिस कर रहे थे मुझे बहुत। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? मुकुट मणि पांडे। इनको देखने से ये टीचर वाली फीलिंग आ रही। ये टीचर हैं। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, यहाँ पर टीचर्स का पूरा फुल सपोर्ट है। इज इट एनी दैट इमोशनल कनेक्शन जब आप टीचर बनने वाले हो? yes. आप एक टीचर को पढ़ाते देख रहे हो तो फुल सिंपैथी है कि नहीं मैम आप भी मुझे झेल रहे हो, मुझे भी कोई झेलेगा, तो इज दैट दैट नहीं ये झेलने वाला तो बात है नहीं, नहीं है ना, नहीं ये टीचर भी बहुत अच्छा है, टीचर इसलिए पोलाइट बन रहे हो? नहीं आप टीचर को नहीं भी रखेंगे तो ये बात बोलेंगे। यहाँ सब बहुत सपोर्टिव है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, हर बहुत सपोर्टिव। मतलब क्या पेटीएम गूगल पे नंबर वगैरह दे सकते हैं? नहीं ये नहीं है, सपोर्टिव मीन्स की जस्ट माइंड हम लोग ट्रांसपोर्टिंग में जाते हैं कभी खराब हो जाता है तो टीचर्स लोग अपडेट लेते रहती है क्या दिक्कत होता है, फैकल्टी भी मेंबर यहाँ पर के फीडबैक लेते रहते हैं, एज ए गार्जियन बोल सकते हैं। अमेजिंग, दैट्स अ रियली गुड थिंग, और ये बोलना बहुत बड़ी बात है ना। सो बैक बेंचर्स के पास चलते हैं, मैं तो खुद बैक बेंचर रहा हूँ, मेरे को हिम्मत ही नहीं होती आगे बैठने की, मुझे लगता है असली रैंचो बैक बेंचर्स होते हैं। यस ऑफ कोर्स, थ्री इडियट्स देखी है कि नहीं आप लोगों ने? हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? अक्षय। अक्षय, हाय दिस इज अक्षय कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे कैमरे पर, वेर इज सुनील शेट्टी? सुनील शेट्टी इज हियर। हाय गाइस, सो मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस, आप लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड? यस सर। ये ऐसे बैठा दिया गया? नो ना सर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड। तो जब आप टीचर बन जाओगे तो क्या आप ऐसी लुक को मेंटेन करोगे कबीर सिंह टाइप? नो सर, खौफ रहना चाहिए बच्चों में कि भाई मैं कबीर सिंह को देख ले। नो सर, मतलब अपना जैसे कबीर सिंह टाइप से नहीं देंगे। थोड़ा शर्मा गया बट कोई बात नहीं। नो सर, कबीर सिंह जैसा नहीं बनना है। नहीं बनना है? वाह, इसने पहले से सिद्धांत है इसका, कबीर सिंह तो बिल्कुल नहीं बनना है। सो टेल मी दैट टू क्वालिटीज जो आपके हिसाब से एक मेल टीचर में होना चाहिए। मेल टीचर में सर सबसे पहले कि जैसे पढ़ाना तो अलग बात है कि बच्चों पे पढ़ाना तो पूरी यूनिवर्सिटी है, वो तो अलग ही बात है। मतलब बच्चों से कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा आपका बिहेवियर है जी, वो मायने रखता है। उसके बाद क्वालिटी भी आपको एजुकेशन में देना ही पड़ता है। ग्रेट, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रो, आप इसे डाउनलोड ले लेना इन्होंने जो बोला। सो गाइस थैंक यू सो मच, हमें और भी पूरा बिल्डिंग कवर करना है लेकिन आप ये वीडियो मेक श्योर कि यू गोइंग टू माय पेज एंड लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो क्योंकि आपके अपने कॉलेज का वीडियो है। सो आपको कहाँ पे जाना है? हाँ, फेसबुक पे लिखना है आर जे मनोज, लिखोगे तो मेरा पेज सबसे पहले फेसबुक दिखा देगा आपको, एंड इट्स आर जे मनोज रेडियो सिटी। ओके, अच्छा लगा मिलकर? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब फेसबुक पे बात करेंगे हम लोग। सो अब हम लोग चलेंगे बाहर। यस यस यस, एंड यस एक चीज है, आप लोगों के यहाँ पर कंप्यूटर सॉल्यूशन आईटी मॉल से हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं जो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर को फ्री में सर्विसिंग दे रहे हैं, लाइक दे विल बी चेकिंग योर लैपटॉप ऑन एंड कंप्यूटर, तो ये फ्री सर्विस ये लोग यहाँ पर देंगे। तो यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द कूपन, राइट? ब्रोशर देंगे, बिल्कुल, इस पे तो सुनाई देगा नहीं, इस पे तो उस पर लोगों को सुनाई देगा, तो ये ब्रोशर देंगे तो आप लोग प्लीज कलेक्ट इट। ओके, ये रोशनी मैडम और प्रियंका मैडम है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। सो अब हम जाते हैं एक दूसरे सेक्शन पे। हाय हाय मैम, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। आपका नाम क्या है? शिवानी सिंह। ओके, तो आप भी पढ़ाते? यस आई एम आल्सो। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? फाइन, दे एनएसयू फैमिली वेरी कोऑपरेटिव, दे ऑल आर वेरी असिस्टेड एंड स्टूडेंट्स आर सो मच मोटिवेटेड, दैट्स व्हाई दे सिलेक्टेड दिस एनएसयू। यस यस श्योर, यू वी आल्सो प्रिविलेज्ड टू हैव एज अ जॉकी एंड इंट्रोडक्शन, वी आर प्रिविलेज्ड। यस थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो अब हम एक दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग चलेंगे जिम। जिम, तो जैसे कि हमने कैप्शन में भी लिखा है कि भाई एक ऐसी यूनिवर्सिटी और विच इज़ द वेरी फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर आर सिटी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे सर ने बताया कि हमारे यहाँ पे जिम भी है तो मैंने बोला सर मुझे जिम दिखाओ पहले, तो सर ने मुझे जिम दिखाया एंड आई रियली लाइक द वाइब ओवर देयर, तो हम दिखाते हैं आपको जिम। तो ये मोटिव एक ही है, देखो कि भाई हमारे शहर में ऐसा एक यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में आगे नहीं बढ़ रहे बट कम्प्लीटली 360 डिग्री यू नो वो बच्चों को एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं जिम में। ओके, सो दिस इज द जिम एरिया और कुछ स्टूडेंट को आई कैन ऑलरेडी सी डूइंग वर्कआउट, सो इट्स लाइक एम्पल स्पेस और जो होने चाहिए जिम में जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए इट्स ऑलरेडी देयर। सो मोटिव एक ये हमारे साथ सर, आप हैं यहाँ पे? हेलो सर, नमस्ते। व्हाट्स योर गुड नेम सर?
अभिषेक कुमार। यू टेक केयर ऑफ द जिम? यस यस यस, आई एम इन चार्ज ऑफ जिम। तो जनरली दिस इज द यूनिसेक्स जिम, लड़के लड़के रोल? यस यस, बोथ। तो क्या उत्साह क्या है, क्या सच में आज की यूथ जो है वो बॉडी बिल्डिंग को लेकर? यस, यहाँ पे फिटनेस सबसे मेन मोटो रह गया है कि बच्चे चाहते हैं कि हमारा आउटलुक जो है वो तो अच्छा हो, पर इंटरनल पावर भी, स्ट्रेंथ स्ट्रांग, या उनका आउटलुक जो भी है, फिटनेस। अब आजकल जितने भी ऐसे है कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने लुक को बाहर दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए जिम बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया और बच्चे इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, एंड दिस इज रियली गुड। चलो कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। फॉर दिस जिम इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात कर रहे हैं, मतलब कोई चार्जेस नहीं? ना, कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट जिम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अमेजिंग। तो मेरे भाई यहाँ पे ट्राइसेप्स मार रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? सोमनाथ देशमुख। आपको कितना टाइम हो गया कॉलेज का जिम इस्तेमाल करके? मैक्सिमम वन एंड हाफ ईयर्स। वन एंड हाफ ईयर्स, दैट्स अ लॉट ऑफ, लाइक बहुत ज्यादा टाइम भाई ने दिया है। सो मेरे लिए तो लाइक इट इज रियली सरप्राइजिंग कि ये कॉलेज के अंदर जिम है। तो मैंने, मेरे को सर ने जब बताया तो आई गॉट रियली एक्साइटेड कि सच में दिखाओ मुझे। तो आपके लिए कितना ये अनुभव है, कैसा अनुभव है? अनुभव अच्छा है एक्चुअली। हम पहले भी जिम करते थे, तो यहाँ आके मेरा हुआ कि हम कंटिन्यू कर सकते वो चीज़। हाँ, ऑलमोस्ट हम 3 ईयर से अभी जिम कर रहे हैं। अमेजिंग यार, हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल थैंक्स टू द कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? ओ भाई साहब, विशाल सिंह भाई। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिस कॉलेज? बहुत बढ़िया। पहले मैंने जिम करा था, यहाँ आके वो चीज़ कंटिन्यू कराया मैंने। इक्विपमेंट्स हारे हूँ, बिहार से रहता, हरियाणा में। बिहार से लेकिन हरियाणा में रहते हो? हाँ, रहता था। तो फिर इसका जिम का हर कुछ अच्छा है। अगर आप जिम करना चाहते हो, वो हर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल है जो आप यूज़ करना चाहते हो, प्रॉपर बॉडी को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, आप स्टेमिना बढ़ाने के लिए, खुद को फिट रख सकते हो, इतना इक्विपमेंट्स है। और क्या, फिट रहने के लिए जिम में आपको कितना टाइम आपने दे दिया? पर डे 1.5 आवर्स कंटिन्यू। और टोटल अभी कितने साल हो गए? 2 साल पूरा कराया। 2 साल हो गए भाई मुझे, 1 साल हो गए, 2 साल मुझे भी जाना है। एक बार दिखा दो, डोले शोले दिखा दो भाई। कितने की है भाई, कितने इंच की है? 14 की अभी तो। 14 की, मेरी 12.5 की, पर कोई बात नहीं, 14 तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली ग्रेट मीटिंग, थैंक यू ब्रो। चलो, तो ये था जिम जो आपको दिखाया। जैसे कि भाई ने बताया कि ऑलमोस्ट यहाँ पर यू गेट ऑल दी फैसिलिटी जो फिट रखने के लिए आपको चाहिए। सबसे अच्छा एक लाइन उन्होंने बोला, फिट रखने के लिए जो चाहिए यहाँ पर आपको मिलता है। अब हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है तो हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन में, एंड वी आर गोइंग टू द फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट, वहाँ के लैब में आप आपको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर फार्मेसी के काफी सारे स्टूडेंट हैं। सर, स्ट्रेंथ क्या है फार्मेसी में? एवरी ईयर हमारा इनटेक है बी फार्म में 100 एंड डी फार्म में 60। ओके, ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ कितनी है? करंट स्ट्रेंथ करीबन 2,500-3,000 स्टूडेंट्स है जो डेली कैंपस आते जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स लेके। इस साल से हमने कुछ नए कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, फिर बीबीए आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया। Okay. इस साल से इसमें नए कोर्सेज, 3 कोर्सेज ऐड हुए हैं। फिर मास कम्युनिकेशन का भी हमने आर्ट्स का और एक डोमेन बढ़ा दिया है, पीजी चालू हो गया वहाँ पे मास कम्युनिकेशन में, क्योंकि जमशेदपुर में पीजी है बहुत कम जगह अवेलेबल है मास कम्युनिकेशन में। यहाँ से जाते, यहाँ से शॉर्टकट ले लेते भाई। वैसे भी ह्यूमिडिटी, जैसे कि हमने कल बताया, कल तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी लेकिन आज थोड़ी राहत है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड वगैरह हो गया। सो यू कैन सी शुरू से ही जो है एनएसयू ने एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया यहाँ पे बच्चों को कि भाई जिम ही नहीं, आपको स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटी मिलती। देखिए इतना स्पेस इन्होंने छोड़ा, चाहते तो 2-4 बिल्डिंग और डाल सकते थे लेकिन कमर्शियली ना सोचते हुए उन्होंने एक सही एनवायरनमेंट माहौल रखने के लिए यहाँ पर, देखो ये बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ पे वॉलीबॉल की फैसिलिटी है। ऑल्सो देर आर एम्पल ऑफ प्लेस स्पेस इज देर, भी हमारा एक ग्राउंड है, एक और ग्राउंड है। हाँ, कैंपस को जब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तब चलेंगे वहाँ पे। ये 25 एकड़ में है ना सर? हाँ जी, 25 एकड़ में है, बहुत मायने रखता है। तो अब हम चल रहे हैं फार्मेसी, फार्मेसी का ये बिल्डिंग है और ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो हम एकदम रनिंग लैब्स में ही जाएंगे जहाँ पर हम जाएंगे। कैमरे के पीछे मेरे भाई सोनू है जो पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं धूप में। सोनू, गन्ने का जूस पिलाऊंगा, अच्छे से काम करो। ये है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का ब्लॉक हमारा। फार्मेसी हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। कोई भी कोर्स जो फार्मेसी में चलता है इंडिया में, अगर वो PCI अप्रूव्ड नहीं है जी, तो फिर स्टूडेंट्स को आगे लाइसेंस वगैरह बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो PCI के वेबसाइट पर अगर जाके स्टूडेंट्स चेक करना चाहें, गार्जियन चेक करना चाहें, तो स्टेटस वगैरह कॉलेज का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 2 कोर्सेज चलती है, बी फार्म एंड डी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। ओके, डिप्लोमा इन फार्मेसी में 60 स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी में 100 स्टूडेंट्स एवरी ईयर एडमिशन लेते हैं। दैट्स ग्रेट। और टोटल इस साल का पूरा एडमिशन पैक चल रहा है सर, आपको बता दूं अभी, मतलब और एडमिशन की कोई गुंजाइश ही नहीं। बी फार्म में एक भी स्टूडेंट अभी एडमिशन नहीं ले सकता हमारे पास।
टोटल 100 स्टूडेंट्स का पैक ऑडियंस चाहिए। ओके, सो हम लोग एकदम एक लैब में जा रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज फार्माकोजेनेसी लेबोरेटरी। सर मैंने सही प्रोनाउंस किया? ओके, सो आ जाइए, आपका स्वागत है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। सो कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? आसिफ अंसारी। ओके, कहाँ आप हैं? कहाँ से? रांची। रांची? यस, हमारा ऑफिस भी रांची। सो आज क्या कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप? आज फार्माकोग्नोसी का कर रहे हैं। ऑलराइट, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा है इस कॉलेज में? आप जिस सब्जेक्ट, जिस कोर्स को यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डी फार्म का कोर्स कर रहे हैं हम, और इस कोर्स को मैं लास्ट ईयर है मेरा, 1 month बाकी है फाइनल एग्जाम के लिए। इसके बाद ट्रेनिंग 3 month का MGM हॉस्पिटल में। चलो यार, बेस्ट विशेस यार, अच्छे से करो। ओके, हेलो, आप क्या चुगली कर रहे हो? व्हाट्स योर गुड नेम? आप लोगों का नाम बताओ। माय नेम इज सबा। एंड माय नेम इज काजल। माय नेम इज स्वाति। ओके, आप तीनों बेस्ट फ्रेंड हो? सर, बट बन जाओगे इस वीडियो के बाद, बन जाओगे बेस्ट फ्रेंड। आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताओ? सर, क्वालिटी टेस्ट फॉर सिनेमन एंड क्वालिटी टेस्ट फॉर टर्मरिक। सिनेमन बोलते लौंग? नहीं, सिनेमन एंड दालचीनी। सॉरी, मैं हूँ थोड़ा कच्चा हूँ तो इसलिए आरजे बन गया। एनीवे, सो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है व्हेन यू कम टू लैब? सर, फर्स्ट इज लैब कोट। लैब कोट इज वेरी मच मैंडेटरी। नो सर, लैब कोट होने से सब चमक रहे हैं सर। जैसे मतलब लैब कोट इज मच मोर नेसेसरी, मतलब लैब कोट के बिना लैब में इट्स नो एंट्री। ओह, दैट्स ग्रेट। सो आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा यहां पे बताओ? सर, बहुत अच्छा रहा, ये हमारा लास्ट ईयर है। सर खड़े इसलिए तो नहीं बोल? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनेस्टली? यस सर। बिकॉज़ आप बहुत हैप्पी लग रहे हैं तो इसलिए मेरा पूछना तो बनता है। सर, फ्यूचर फार्मासिस्ट है सबसे बड़ी बात। कोविड के बाद सबसे ज्यादा डिमांड पे नहीं कहा, इसलिए हैप्पी रहना पड़ता है। पीटने वाले और तुम लोग लाखों करोड़ों में कमाने वालों, दोस्ती इसलिए पहले से बना लेनी चाहिए। बट एनीवे, मुझे बताओ कि व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर, लाइक फ्रॉम यहाँ से निकलकर क्या ड्रीम देख रहे हो? सर, यहाँ से निकलने के बाद तो मतलब फर्दर स्टडी करना, बी फार्म, उसके बाद फिर कुछ अच्छे पोस्ट में जाना, जैसे DI हो गया जी। वही अभी टारगेट तो वही है कि DI के लिए करना। ठीक है, तो मेरी शक्ल पहचानना जब मैं आऊंगा आपके पास ना, डिस्काउंट दे देना मुझे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। हम लोग थोड़ा शॉर्ट टाइम चल रहा है अपना, बट थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। अब वापस चलते हैं। यस, और ये आपको फ्री कूपन देंगे, ये कूपन ले लीजिएगा आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए। अच्छा, एक और लैब चल रहे हैं, एक फैकल्टी से मिल लेते हैं। प्रिंसिपल सर है हमारे। सो कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, विच इज ओके। कृष्णा कुमार जी गुड मॉर्निंग, प्रिंस भाई गुड मॉर्निंग, रत्ना जी गुड मॉर्निंग, शरद गोराई जी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों के कमेंट पर मेरी नज़र है, प्लीज बने रहिए। आज ये पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज पूरा आपको NSU घुमाने वाले हैं। हेलो सर, प्लीज थोड़ा सर कैसे हैं सबसे पहले तो बताइए। बढ़िया, काफ़ी सारे लोग इस समय देख रहे हैं इस तरह वाले, काफ़ी सारे लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, और मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूँ, कितने साल से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है आपका? देखिए, मेरा तो अपना पर्सनल लाइफ में मेरा 30 years का एक्सपीरियंस है, और ये 30 years ओवरऑल एक्सपीरियंस इन फार्मा एकेडमिक एंड फार्मा इंडस्ट्रीज। एंड ये जमशेदपुर में मैं अभी आया तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, और दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू रीच एट द एपेक्स। तो मेरे को लगता है कुछ सालों में ये बहुत आगे जाएगा, और बच्चों, हर बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ी सुंदर यूनिवर्सिटी बनाया इन्होंने, डेडिकेटेड डिवोटेड। तो मेरे को लगता है ये बड़े आगे जो भी बच्चा या कोई भी कोर्स में पढ़ने के लिए चाहे तो उनका भविष्य सुंदर होगा। क्या बात है, और आपके वर्ड सच में मायने रखते हैं, क्योंकि 30 साल का अनुभव है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए तलाश रहे हैं एक अच्छा कॉलेज, या पेरेंट्स से गाइडेंस मिल जाएगी। आई एम वेरी मच श्योर दे विल बी रियली गेटिंग मोटिवेटेड विद योर वर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम लोग और एक लैब चलते हैं सर, एक और लैब चलते हैं राजेश सर के साथ। तो एक जो दूसरा लैब है हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है तो हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, एंड वी वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस Exploring this very first private university from Jamshedpur. Pokhari Jamshedpur में आते हैं क्या सुनोगे? आस पास ही है। All right.
तो तकरीबन मैं कदमा से हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, 22 किलोमीटर मैप पे दिखा रहा था, तो 22 किलोमीटर हम यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं जस्ट टू एक्सप्लोर दिस वंडरफुल यूनिवर्सिटी एंड यू सी दिस ब्यूटी, यू सी दिस ब्यूटी, दिस इज अमेजिंग। और आज मौसम थोड़ा मेहरबान है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ रोशनी, आज मौसम थोड़ा मेहरबान है ना, बताओ। काफी ज्यादा मेहरबान है मौसम, बिल्कुल आज तो काफी अच्छी है, आज काफी अच्छा मौसम। सो अभी हम अंदर जाने आ रहे हैं, ये दिस इज फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी, इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाया ये कोर्स। राजेश सर अंदर चलते हैं, एकदम चलिए सर। आज काफी ज्यादा तादाद है, आज बच्चों में काफी उत्साह है इस कोर्स को करने के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम भी चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू मीट मी। सर का ब्लड प्रेशर नाप सकता है क्या कोई मेजर फार्मासिस्ट हमारा? मेरा ब्लड प्रेशर मापने की तैयारी हो रही है, कम से कम। ओके सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को। सो फेसबुक पर लाइव है हम लोग, आप सबको जमशेदपुर की जनता घरों से देख रही है। पिंकी प्रसाद जी का गुड मॉर्निंग है, हेलो। सो अभी मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ये वो होना टैलेंट्स है जो यहाँ से निकल कर अलग अलग बड़े पोजीशंस पर काम करेंगे, यू नो जमशेदपुर का नाम रोशन करेंगे। सो चलिए आइए पहले अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं, ये सही है कि नहीं। और दिल के धड़कने भी नापते हो आप लोग? मैं बैठ जाऊँ इधर? चलो ये तो प्लान था नहीं, तो ये प्लान के बाहर की चीज़ है, एकदम लाइव एक्सपीरियंस। अपना लेफ्ट हैंड, सॉरी, ये अपना लेफ्ट हैंड दे दिया मैंने आपको, और मैंने अपने लेफ्ट हैंड के साथ अपनी जिंदगी सौंप दी इनको। नॉर्मली कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर? नॉर्मली आपका 120 बाय 80 होना चाहिए, मिनिमम शुड बी 80 एंड मैक्सिमम शुड बी 120। और किन चीज़ों की वजह से वो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है, क्या गलतियाँ करते हैं हम लोग? सॉल्ट कंजर्व, मतलब सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरे पापा को समझा दो यार, कैमरे पे बोल दो, अंकल जी इतना सॉल्ट मत खाओ यार, अंकल इतना सॉल्ट मत यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा सॉल्ट हम लोग का बॉडी में अगर सॉल्ट डिपोजिशन होता है उस वजह से ब्लड प्रेशर हम लोग का बढ़ता है। ऑल राइट, और लो किस वजह से होता है? नमक नहीं खाने से? नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपको शरीर में अगर विटामिन वगैरह कमी हो, कमजोरी हो। अच्छा, विटामिन की कमी से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो जाता है, वाह। तो चले जान लेते हैं श्री 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 आर्य मनोज जी का ब्लड प्रेशर कितना है। आपका नाम क्या है? जयंत कुमार मदीना। जयंत जी हैं, जयंत जी बताएंगे। चलो अच्छा है, एक फ्री फैसिलिटी मिल गई मुझे, थोड़े पैसे बच गए मेरे। तो भाई इतना जिम जाने का कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जयंतो जी बताएंगे हम। क्या सोनू भाई आपको ही ब्लड प्रेशर चेक करवाना है? और गाइज हमारे साथ ना रोशनी और प्रियंका जी है, आपको एक फ्री ब्रोशर देंगे, आपके लैपटॉप और कंप्यूटर की फ्री चेकिंग होगी उससे, मतलब फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका 120/75 है। Is it good? It's good. Best है ना? Best. जिम जाने का कुछ तो फायदा हुआ। 110/75 है, 70 है जो एक नॉर्मल प्रेशर में माना जाता है। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्री सर्विस, अमेजिंग जो यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो कुछ लोगों से थोड़ा बात भी कर लेते हैं, ओके थोड़ा मुदर चलते हैं। एक इधर से थोड़ा सा बात करके फिर सर हम सिलेक्टेड आए तो ओके। हाय हाय, यस 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 सर जी, से बात कर लीजिए जी, प्लीज बुला लीजिए ना आप, जो चार पांच को बुलाए यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाइए। थोड़ा बच्चे शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके साथ टंग ट्विस्टर खेल रहे थे, पीतल के पतीले में पपीता पी रहे थे। आ जाओ, शर्माओ मत यार, मेरी शादी थोड़ी हो रही है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेस हियर फ्रॉम देम, इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है? यस, कौन अनुपमा, कौन आपकी बड़ी डिमांड है सर, बुला रहे, चलो बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ यहाँ पे। इट वॉज ग्रेट हियर, मीन्स आई हैव एक्सपीरियंस मेनी थिंग, लाइक एक्चुअली आई हैव नेवर गॉट दिस एनवायरमेंट ऑफ टॉकिंग टू समवन, आई वॉज वेरी शाई काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट मीन्स टॉक
so much or I'm not extrovert. So I got a very good opportunity that I can express my feelings and all the things right means on the stage, or I have overcome all the fears of the stage fear. Okay. Talking. आप खुश हो ना? Yes, I'm very happy. पहले मैं बहुत ही शर्मीला था, फिर उसके बाद मेरे जीवन में क्रांति आई, अब मैं बहुत ही ज्यादा बात करता हूँ. आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक. मुस्कान बड़ी अच्छी है. I love it. मेरा नाम मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं बोला, तुझे बोला था, I love your smile. So, आपके एक्सपीरियंस ओवरऑल NSU में कैसा है? ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहा. जब मैंने आया तो स्टार्टिंग से मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा. फैकल्टी सब ने बहुत कोऑपरेट किया यहाँ. हमने कुछ बेसिक से हमने बहुत कुछ मतलब एब्जॉर्व किया, बहुत कुछ सीखा हमने. और हमने साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी बताया गया, जिस तरह हम लोग के अपने जो आगे वाले फ्यूचर में ये काम आ सके. अमेजिंग, यू आर डूइंग गुड. थैंक यू सर. आ जाइए. यू द टॉपर. मैं खुद पढ़ाई में इतना एवरेज हूँ. एक ताली बजा दो यार. तो कैसा लग रहा है एक टॉपर के एक लूजर के साथ खड़े होकर? सर ऐसा कुछ नहीं है, टॉपर और लूजर डजंट मैटर, इट्स मैटर अबाउट नॉलेज. नॉलेज कितना हो रहा है आपको यहाँ पे? फार्मेसी में आने के बाद आपको जस्ट हमको फार्मेसी में मतलब इंजीनियर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. मेरा पूरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में जाने का, बट व्हेन आई सो नेताजी, व्हेन आई कम इन नेताजी, मतलब सबको फैकल्टीज इतना सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर वेरी सपोर्टिव सब. यस सर. और यहाँ की जो मतलब प्रैक्टिकल सेशन है वो ज्यादा बेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल अगर पार्थ सर का है तो इनका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी सर का, बहुत स्टैटिक्स सबका बेस्ट है सर, सबसे बेस्ट है. थैंक यू सो मच एंड इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू. एंड आई विश कि मैं जब अगली बार आऊं तो यहां पर लाइन लगी हो टॉपर की और मैं सबसे मिलकर जाऊं. ओके, कीप अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन, वो बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. सो थैंक यू सो मच गाइस, इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू. सो इट वॉज रियली ग्रेट मीटिंग देम. एंड आरजे मनोज रेडियो सिटी फेसबुक पर मेरा पेज है जिसपे ये लाइव चल रहा है, प्लीज डू शेयर इट. 200-400 शेयर मार दो आज. सो अब कहाँ जा रहे हैं सर? यहाँ से हम लोग चल रहे डिप्लोमा इन मैकेनिकल. वर्कशॉप में जाएंगे? वर्कशॉप पे सीधा चलेंगे. फर्स्ट हाफ के बच्चे देखिए, हमारा छुट्टी हो रहा था, बीच में हम लोग लाइब्रेरी भी विजिट करते चलेंगे. ओके लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी, दिस इज लाइब्रेरी फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट. फार्मेसी स्टूडेंट के लिए. तो यू गेट दिस एक्सक्लूसिव एक्सेस ऑफ दिस एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी इन NSU. और ये फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो बुक्स वगैरह है इनके लिए स्पेशली यहाँ पर वो सारे बुक्स अवेलेबल है, सो दैट वो एकदम हैसल फ्री पढ़ाई जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर सके. एंड दिस इज सो गुड. आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं जब आपको लाइब्रेरी एक्सेस करने का मौका मिलता है ना. सो यू सेव अ लॉट ऑफ मनी. तो इसको पूरा इस्तेमाल कीजिए. आप कहीं और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं. लाइब्रेरी का सही से इस्तेमाल कीजिए आप. आइए सर. हेलो सर, कैसे हैं? आई एम फाइन. कितने बुक्स हैं सर यहाँ पे? यहाँ 5,000 बुक्स हैं. 5,000? यस. ओके, ओनली फॉर फार्मेसी. सिर्फ फार्मेसी के 5,000 बुक्स है, तो आप मैं क्या बात करूँ सर से. दैट इज अमेजिंग. आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे, कितने साल से काम कर रहे हैं? यहाँ तो मेरा 2 years हुआ, बट ऑलमोस्ट 15 years एक्सपीरियंस. 15 साल का एक्सपीरियंस है. तो कैसा अनुभव आपका रहा इन 2 सालों में? वेरी गुड सर. स्टूडेंट आर डिसिप्लिन एंड स्टडी इज वेरी गुड. ऑल राइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. तो सर को 15 साल का अनुभव है यहाँ पे. चलो एक और जगह चलते. और मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार जो लोग अभी छोटे उन लोगों को बता दूं, वी आर एट NSU नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी एंड पोखारी आना पड़ा है. नियर अबाउट 22 किलोमीटर हमने ड्राइव कर हम यहाँ पे पहुंचे हैं एंड वी आर सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द होल यूनिवर्सिटी. यस राजेश सर इधर से. चलो अब दूसरे सेक्शन पे चलते हैं हम लोग. तो अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, उसके वर्कशॉप पे आपको लाइव वर्कशॉप दिखाते हैं, हैंड टूल का इस्तेमाल कर वो कैसे प्रोडक्ट को फाइनल टच देते हैं. तो जनरली मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट वो वर्कशॉप देखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. तो आपको हम लाइव एक दिखाते हैं पहली बार. छोड़ दो. तो इन बिटवीन द वीडियो यू एक्सपीरियंस दिस खचर पचर का साउंड, तो प्लीज़ बेयर अस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. हम चाहते थे
कि कुछ भी जो है एकदम प्लान ना हो। स्टूडेंट सेक्शन डेवलप किया है यहाँ पे, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा है जो जीवन भर जिंदा रहे। बच्चा जिंदा रहेगा तो आप आगे ग्रो करेंगे, गिरेंगे, उठना सीखेंगे। उस लिए वापस देखिए एक छोटा सा सेटअप है, आज भी बच्चे जैसे झूला लगा है वहाँ पे कि स्टूडेंट्स हमारे हैं, लंच में आइए, झूला झूलिए, अपना स्ट्रेस को फ्री कीजिए। वो पूरा सेटअप है सर हमारा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पूरा सेटअप देखिए, बीच में एकदम एक छोटा सा गार्डन यहाँ पे जो बनाया गया है। सो स्ट्रेस फ्री जोन आप कह सकते हैं, जो स्पेशली पुराने दिनों को, बचपन को आप याद कर सकते हैं। दिस इज सो गुड यार, मैं इतना जल्दी क्यों बड़ा हो रहा हूँ? मुझे वापस से एडमिशन चाहिए यहाँ पे। सो अब हम चल रहे हैं जो वर्कशॉप जहाँ पर हो रहा है उस जगह पे चलते हैं, और आइए आपको एकदम लाइव दिखाते हैं। सोनू भाई अदर आ जाओ। फर्स्ट हाफ के स्टूडेंट्स हमारे घर निकल रहे हैं। ओके, इनकी छुट्टी हो गई। तो ये कैसे जाएंगे? बस में जाएंगे। बस में जाएंगे, हमारा बस सर्विस है जमशेदपुर के हर नुक्स एंड कॉर्नर से अवेलेबल है। ओके, आप चाहे स्टेशन बोलिए या गमरिया बोलिए या गोविंदपुर बोलिए, मानगो के डिफरेंट रूट बोलिए, सब तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दिया जा रहा है। ओके, मतलब बस बच्चों का एडमिशन लेना है, बाकी यू टेक केयर ऑफ द होल थिंग। जब से कोविड स्टार्ट हुआ मैनेजमेंट ने एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम रेडी किया है, जिसके थ्रू गार्जियन को हम एक छोटा सा सपोर्ट कर पा रहे हैं कि पेट्रोल का प्राइसेस देखिए लास्ट टू इयर्स में 50 रुपए से 100 रुपए के पास आ गए, बट हमने टू इयर्स से जब से कोविड स्टार्ट हुआ बस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे स्टूडेंट्स। ओके, ताकि जमशेदपुर के गार्जियन को एक छोटा सा सपोर्ट कॉलेज अपने एंड से दे पाए। ऑलराइट, अब इनका क्लासेस क्या है, 7 o'clock से चालू होता है, तो बसेस हमारी नियरली सोचिए 5:30 से स्टार्ट हो जाती है चलना, 5:30 बजे सुबह से बस शुरू हो जाती है, बस चालू और डिफरेंट पॉइंट्स पर वो बसें रुकती है, स्टूडेंट चढ़ते हैं और सीधा कॉलेज पहुंचते हैं। वाओ, तो ये फैसिलिटी रूट वगैरह दिया गया है, वो बस नंबर फॉलो करते हैं और उस हिसाब से अपना लगभग, अगर हम एक आइडिया ले तो कितने बसेस हैं? 20 buses ऑन एन एवरेज। 20 buses भाई साहब, 25 acres में कैंपस फैला हुआ, 20 buses चलती है, और क्या मैं तारीफ करूं। अमेजिंग। एक बार गांव में बस जब घुसता है तो एक कारवां, सोचिए बस आने का और जाने का भी एक साथ। फर्स्ट हाफ के बच्चे निकलेंगे, सेकेंड हाफ के बच्चे कैंपस में एंटर कर रहे हैं इस वक्त। अमेजिंग। अब हम लोग ऐसे चलेंगे, पीछे हमारा डिप्लोमा। वाकई में जो जब हम एक वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सिटी, जब हम एक वर्ड यूज करते हैं तो एक एक जो एक 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 हमारे सिविल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, सिविल के स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो आप देख सकते हैं सिविल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, देखिए दे आर डूइंग सम प्रैक्टिकल वर्क। स्पेशली एक चीज की दाद देनी पड़ेगी कि प्रैक्टिकल चीजों का बहुत ख्याल रखा गया है इस यूनिवर्सिटी में, कोर्सेस है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। आज के डेट में आप अगर गवर्नमेंट का मिशन भी देखेंगे स्किल इंडिया, तो स्किल तब डेवलप होगा जब लोग रियल प्रैक्टिकल्स करेंगे। हम उधर चलते हैं, जो मेनली वहां पर जो काम चल रहा है उसको चेकआउट करते हैं कि व्हाट इज इट। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट समझने की कोशिश करते हैं, एक लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू। सो हेलो गाइस, जो लोग देख रहे हैं, दिस इज आरजे मनोज, हम आए हैं एनएसयू नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी की धरती पर, आज हम आए हैं पोखरी में, ये जगह है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द होल कैंपस, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑफ कोर्स। हाय गाइस, सो चलो नाम जान लेते हैं क्या कर रहे हो, तो बाद में जानेंगे, पहले आप लोग नाम जान लेते हैं। जी, मेरा माय नेम इज आशुतोष कुमार सिंह। आपका? माय नेम इज अरमान आलम। अरमान। माय नेम इज शेखर कुमार। शेखर। आई एम साकिब आलम। और सर आप? राहुल कुमार लोहरा। ओके, तो आज क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सर यहाँ पे प्लीज आइए ना सर आगे। जी सर, अभी हम लोग एक थियोडो लाइट के माध्यम से हम लोग सर एक प्लॉट का सर मैपिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जी सर, यहाँ पे सर सबसे पहले हम लोग थियोडोलाइट को मतलब परफेक्ट जगह पे प्लेस कर देते हैं, इसका एंगल में आपने प्लम्ब अप से सर इसको प्लम्ब अप में देख एकदम फ्लैट होना चाहिए। हाँ, फ्लैट होना चाहिए, प्लम्ब अप में यहाँ पे है सर, देख सकते हैं इसको बिल्कुल। यहाँ पे जब तक वो मेजर नहीं हो तब तक इसको मतलब रॉन्ग हम लोग का मेजर आ जाता है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ से सर हम लोग देखेंगे कि प्लॉट मेरा क्या है, रेक्टेंगल है या मतलब पेंटागन या जैसा भी हो। इसके बाद हम लोग सर रेंजिंग रॉड को गाड़ देते हैं, मतलब ये करके उसके बाद यहाँ से हम इससे देखने की कोशिश क्या करते हैं? इससे हम लोग रेंजिंग रॉड को मिला के सर उसका एंगल मेजर करते हैं, या उसके बाद हम लोग जो ये टेबल होता है उस पर एंगल को मेजर करते हैं। ओके, अगर एक लेमैन को समझाना हो तो हम सिंपल भाषा में क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से? दूरी माप रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं, एंगल 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 के सर्वे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस आप लोगों को, अच्छे से काम कीजिए, आप लोग ही फ्यूचर में जाकर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर जन सुविधा के लिए आसान करने वाले हैं लाइफ। तो अब हम आगे चलते हैं, उस लाइव वर्कशॉप में आपको लेकर जाएंगे हम सर। ये वर्कशॉप चलेंगे, ये गर्ल्स हॉस्टल, ये हमारा पूरा गर्ल्स हॉस्टल है। आप देखें यहाँ पे
सो और वहां पर जो देख रहे हैं ना हम वहां से आपको दिखाने बोल के वो जो सोलर पैनल लगे हुए हैं एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी राइट एंड इन्होंने एनवायरमेंट के बारे में भी इतना बेहतरीन ये सोच रहे हैं वो पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है और कितना टाइम हो गया सर ये सोलर पैनल अभी हमने तो तीन महीने पहले गुड इनिशिएटिव ये आइडिया था इनका ये हमारे ओनर का आइडिया है चांसलर साहब का चांसलर साहब का ये आइडिया है व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आप देखिए एनवायरमेंट को आप सपोर्ट दे रहे हैं इससे बढ़कर और कुछ बात नहीं हो सकती डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एंड लॉ का ब्लॉक है ओके होटल मैनेजमेंट एंड लॉ और हम आपको एक बहुत कमाल की चीज दिखाने वाले हैं आपने सच में कोर्ट रूम देखा हुआ है ना लेकिन हम आपको पूरा वो एक्सपीरियंस देंगे वर्कशॉप फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग तो जो डिप्लोमा कर रहे हैं इंजीनियरिंग में उनको हम ये लाइव दिखा रहे हैं So for the very first time, you're going to witness some. All right. तो थोड़ा इंटरनेट फ्लक्चुएट हो सकता है तो प्लीज bear with us. और चलिए अंदर चलते हैं तो आप देखें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो वर्कशॉप में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारे इंस्ट्रक्टर है आइए ना नजीम सर हाय सर कैसे हैं सर बढ़िया आप कैसे बहुत ही बढ़िया है आज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं ये वर्कशॉप है यहाँ पर स्टूडेंट हैंड टूल यूज करके मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं हैंड टूल यूज करके जो भी कटिंग प्रोसेस है फिनिशिंग प्रोसेस है फाइलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं चलिए आइए देखते हैं इनका काम और हो सके तो इनको थोड़ा डिस्टर्ब भी करते हैं तो देखिए ये हैंड टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं आपका नाम क्या है राकेश जोशी सिंह कहाँ से आते हैं समाता से ओके तो ये परफॉर्म करने में मज़ा आ रहा है ऐसा पूछना नहीं चाहिए पता ही पर आपको मज़ा आ रहा है यू लाइक दिस थिंग टू डू यस सर एंड सबसे बड़ी बात है मतलब जिसके लिए सैल्यूट है कि बहुत ह्यूमिडिटी है यहाँ पर लेकिन उसके बावजूद पूरे जोश के साथ आप काम कर रहे हो यस सर तो क्या करना चाहते हो फ्यूचर में बनना क्या चाहते हो सर हम तो इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ NSU में मज़ा आ रहा है यस सर बहुत मजा आ रहा है सीखने को मिलता है सीखने को बहुत मिलता ही है थैंक यू सो मच कीप इट अप सबसे अमेजिंग बात ये है कि यू सी यू नो द गर्ल्स वॉकिंग एंड इट्स अमेजिंग टू सी राइट आइए थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हाय व्हाट्स योर गुड नेम माय नेम इज फिजा समीन ओके एंड यू नो द अमेजिंग थिंग आई सॉ बॉयज डूइंग दिस थिंग बट जब मैंने आप दोनों को देखा आई फेल्ट रियली अमेजिंग तो मुझे बताओ ये चैलेंजिंग लगता है मतलब लगता है कि भाई हम भी कुछ टक्कर का काम कर रहे हैं हाँ मुझे लगता है कि चैलेंज कर रहे हैं हम लोग भी और यू नो बिग थैंक्स टू NSU जिन्होंने ये एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया तो वो इक्वालिटी यहाँ पर बरकरार है हाउ इज योर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इज वेरी गुड एक्सीलेंट है हमारी ओके क्या करना चाहते हो फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं वाह IT कंपनी में जॉब करना चाहते हैं दैट्स गुड एंड बेस्ट विशेस फॉर दैट सेम यस थैंक यू सब हम चलते हैं थैंक यू गाइस थैंक यू सो हमारे पास समय की थोड़ी कमी है बच्चे एक्साइटेड हो रहे वो जू में जब नया बंदर आता है तो मैं आई एम बिहेविंग लाइक अ जू का नया बंदर एंड इसीलिए बच्चे एक्साइटेड हो रहे मुझे देखकर सो दिस इज अनदर वर्कशॉप विच इज मशीन शॉप तो वहां पर आपने हैंड टूल का इस्तेमाल देखा एंड नाउ वी आर गोइंग टू शो यू जो एकदम मशीन वर्क जैसे है वो कैसे होता है वो आपको दिखाने वाले यहाँ पे कौन है इंचार्ज विनोद सर हमारे इंचार्ज है यहाँ पे हाय सर कैसे है सर अच्छा सर सर यहाँ पर टर्निंग हम लोग ऑपरेशन करा रहे हैं और यहाँ पर और भी सब बहुत सारा मशीन है एक्चुअली ये मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस का सेक्शन है और उधर आने से सर फ्लूइड मैकेनिक्स का सब सेक्शन है और उसके बगल में मॉस तो जितना भी मैकेनिकल में लैब होते हैं हम लोग उसमें से दो सेक्शन यहाँ पर रखे सर फ्लूइड और ये प्रोडक्शन अभी सर हम इन लोग को जॉब बनाना सिखा रहे हैं क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी जैसे सैंपल हम लोग को देना है तो उसके लिए सर रिक्वायर्ड शेप एंड साइज हम लोग यहाँ पर तैयार कराते हैं लेथ में सर तो जैसे वो सिलिंड्रिकल जॉब है बाकी सर स्टूडेंट को सिखाएं लोग बता दो जॉब ला के दिखा लीजिए थोड़ा सा बताइए भाई हाँ बता दे रहे ये सिलिंड्रिकल जॉब है जो कि जनरली लेथ मशीन में यूज होता है जी और इसमें हम लोग टर्निंग फेसिंग बोरिंग ड्रिलिंग सब सिलिंड्रिकल जॉब में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं मतलब लेथ मशीन में और ये लेथ मशीन ये आपका फोर जो चक है ये हेड स्टॉक है ये टेल स्टॉक है हम लोग का जो मतलब टूल लगता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वो जनरली हम लोग का इसमें लगता है
कि आप टूल पोस्ट है और ये कैरेज हो गया और इसमें हम लोग टर्निंग करते हैं, फेसिंग भी कर सकते हैं, जैसे टर्निंग फेसिंग ड्रिलिंग कुछ भी, ये आपका जनरली जॉब हो गया इसमें। और इसमें ड्रिल व्रिल अगर कुछ करना, ड्रिल बोरिंग वो सब हम लोग को टेलीस्टॉक में लगता है, और बाकी जो कटिंग टूल है सब हम लोग को इसमें लगे टूल पोस्ट में लगता है। और फेसिंग में जो हम लोग का टर्निंग में जो होता है जिसमें डायमीटर कम होता है टर्निंग में, और फेसिंग में जो होता है वो हम लोग का मतलब लेंथ कम होता है। सो भाई ने जो भी बताया मुझे उतना ही समझ में आया जितना करण जौहर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में मुझे समझ में आया था। पिक्चर चली तो नहीं थी लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज करे हैं जो एक लेमैन को समझ में नहीं आएगा। दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर डूइंग द बेस्ट पॉसिबल स्टफ हियर, बट बेस्ट विशेस आप लोगों को। सबसे बड़ी बात है मैं आपको सैल्यूट इसलिए भी करना चाहता हूँ कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है उसके बावजूद आप अपनी ड्यूटी पर हो और ये चीज़ें सीख रहे हो और फ्यूचर में आप ही काम आने वाले हो देश के भाई। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, ऑलरेडी प्लेस्ड हो दो स्टूडेंट है हमारे डिपार्टमेंट, उनसे ही बात कर लेते हैं एक मिनट। ठीक आ रही है। हाँ, हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? आलोक मिश्रा। अक्षय, सो कहाँ प्लेस हुए हो और एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताओ और कैसे हेल्प हुआ जब आप अभी फिलहाल टाटा स्टील में प्लेस्ड हुए हैं। वाओ, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जैसे आप देख रहे हैं लैब, यहाँ का लैब एक सुपर्ब है और टीचर्स बहुत एक्सीलेंट है, फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं यहाँ के। और अक्षय तुम भी बोल दो कुछ, मैं बोल दो भाई, थोड़ा साथ दो भाई, पसीना अलग है बोलने का, पसीना अलग है ह्यूमिडिटी का, पसीना अलग। बिल्कुल, मेरा प्लेसमेंट पुणे में हुआ, जगदम्बा ऑटो। ओ वाओ, और नाम मैंने सुना है भाई। हाँ, जगदम्बा का नाम है भाई पुणे के, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और सर का सपोर्ट की वजह से सब कुछ हुआ है, सर का एक्सपीरियंस जो था सारा को सर लोग का ही से हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है जब कॉलेज से पास आउट हो जाता तो भाई काश उस समय सुन लिया होता तो थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा मिल जाता, तब थोड़ी मस्ती भी कर ली है ना, वो चीजें याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का कोविड भी खाया है, बहुत लॉस हुआ उसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद इट्स अ बिग 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 यू नो अचीवमेंट यार कि आपने एक अच्छे जगह पर आप प्लेस हो। मतलब दोनों के बारे में मैं क्या कहूँ, दोनों एकदम रिनॉन्ड ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। सो कुछ टिप देना चाहोगे? टिप्स जूनियर्स के लिए ऑफकोर्स बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो सी सर्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को, सब कुछ सेट है इन लोग के लिए। वेरी नाइस, कम शब्दों में अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, और ये पॉजिटिविटी बरकरार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ पे रोशनी और प्रियंका जी आपको कुछ कूपन देंगे, आपके लैपटॉप कंप्यूटर को आप फ्री में चेकअप करवा सकते हो, ये बता देंगे सारे डिटेल। एंड कंप्यूटर सॉल्यूशन आईटी मॉल हमारे पार्टनर है, आईटी पार्टनर है, तो ऑफ कोर्स ये बता देंगे आपको। चलिए अब हम चलते हैं बाहर, ह्यूमिडिटी इज टू मच, इट्स ऑलरेडी 12:13 हो चुके हैं। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? इलेक्ट्रिकल लैब की, चल इलेक्ट्रिकल लैब। सो इलेक्ट्रिकल लैब की तरफ हम लोग जा रहे हैं, चलिए आइए जल्दी जल्दी। So, this electrical lab is part of mass communication? Diploma. Diploma में branches होते हैं सर, mechanical, civil, triple E, CS, ऐसे different branches होते हैं। और ये NSU जो है हमारा, जो diploma है, ये AICT approved है सर। Okay. आपको बहुत कम diploma college मिलेगा जो AICT approved है। तो NSU is one of the AICT approved diploma colleges in Jamshedpur. All right. चलते हैं जरूर, फिर नीचे के labs हम लोग explore करेंगे अलग department। All right. तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं, हेलो सबको, हम इस समय NSU यानी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी पोखरी में मौजूद हैं और बड़े सालों बाद यहाँ पर वापस आने का मौका मिला। उस समय पर्पस अलग था, इस समय पर्पस ऐसा है कि मेरा सौभाग्य, आई एम गेटिंग दिस एक्सक्लूसिव मौका टू एक्सप्लोर द होल कैंपस। एंड एक ही कोशिश है कि भाई आपको यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम ज़्यादा बेहतर बता सकें, सो दैट आपके सर्किल में या आप भी अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन तलाश रहे हैं फॉर एजुकेशन, तो यहाँ पर आपको वो माहौल के बारे में ट्रांसपेरेंसी के साथ पता चल सके। Then you choose the best thing for yourself. और कैमरे के पीछे खूब सारी मेहनत कर रहे हैं सोनू भाई। सोनू भाई इतना सीढ़ी चढ़ा पहले कभी? मैं मतलब आई एम तो लाइक आई एम इन टू फिटनेस तो आई नो बट ओ भाई साहब यही ठंडक चाहिए अपने को। ये भी हम दूसरे तल्ले पर है, ओहो काफ़ी सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच अजय जी, लिख रहे हैं अमेजिंग कैंपस, ग्रेट प्लेस टू लर्न एंड ग्रो इन करियर, कंग्रेचुलेशन टीम NSU। मजर अंसारी जी हेलो, नीरज जी हेलो, थैंक यू। आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगा बीच बीच में। सो बहुत ही मस्त माहौल है आज, अब अंदर चलते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक लैब। ओके, ओके, हाय। हमारी हेड है अनुमैया मैम, डॉक्टर। कैसे मैम? आई एम गुड। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कितने वर्ष हो गए कार्य करते हैं? ओके,
जस्ट वेट अ मिनट, कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस चले। Amazing. Goosebumps. Yes, ma'am. बताइए अपने बारे में। Okay, I'm Dr. Anu Meha and I'm taking classes of electrical and electronics engineering. This is electrical lab and today I'm going to perform digital electronics lab. You can ask my student whatever they have performed today. Great. And these are the students. They learn so many things from here. We are performing each and from third semester to sixth semester. We are taking lab, even theory classes. All we performed and we used to write them, used to give practical copy and they used to write and they perform and we see and these all things we do. Wow, wow. तो students से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। You can talk with my student. Okay, what's your good name? आ जाओ आ सामने। Come here. What's your good name? Rishita. And? Sharmila. Sasank. Karan. Abhishek. Okay, तो अगर एक layman को समझाना हो कि आज आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हो तो बताओ कुछ। In simple words, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है एंड टुडे वी आर परफॉर्मिंग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। द मेन टॉपिक इसका है एडर एंड एडर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। सो एडर एंड एडर इज अ लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट। इट इज अ काइंड ऑफ सर्किट विच हैज टू इनपुट्स, एक्स गेट एंड गेट एंड एक्स ऑर गेट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से। वाह क्या बात है। सो घर पे भी इतनी सारी चीजें याद रहती है? मुझे तो अभी लग रहा है मुझे दो तीन बार रिकॉर्डर में दबा के इसको सुनना पड़ेगा। मतलब एकदम स्मार्ट है, दे आर वेरी स्मार्ट फॉर द लास्ट मंथ। हां हां, फॉर दिस डिपार्टमेंट शी इज द स्टूडेंट ऑफ द मंथ फॉर लास्ट मंथ। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। एंड आप लोगों को हमारी बेस्ट विशेस है। आई एम वेरी मच श्योर कि जो काम आप कर रहे हो उसमें अपना 200% डाल के आप यूनिवर्सिटी और अपने घर का नाम रोशन कर पाएंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, आपका एक्सपीरियंस यहां पर कैसा रहा है? दिस इज अ गुड कॉलेज एंड एनवायरमेंट इज सच अ बेटर। आदित्यपुर। आप आदित्यपुर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? गुड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलता है हम लोग को, बहुत अच्छे फैकल्टीज। वो यहाँ पे चीज़ें अच्छी थी इसलिए आए, वो आदित्यपुर से आते हैं इसलिए उसके साथ आए। नो सर, फ्रेंड्स एक साथ आते हैं। फ्रेंड्स हो ना? आप कहाँ से आते हो? मैं आदित्यपुर से आती हूँ। सब आदित्यपुर वाले हैं यहाँ पे? मैं ये तो हॉस्टल में। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे है? तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब जब से मैं आई हूँ तब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और यहाँ अच्छे टीचर्स हैं, फैकल्टीज है, अच्छा लैब है। अब ऐसे धीरे बात करते हैं? धीरे पक्का ना, आपके दोस्त जानते हैं धीरे बात करते? धीरे तो आपसे तो लड़ाई नहीं कर सकता। कोई लड़ाई करेगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। क्या नाम है आपका? शर्मिला। शिल्पी? शर्मिला नाम है। शर्मिला, चलिए शर्मा रही है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। आप लैब में देखें, यहाँ बच्चों का ये फाइनल ईयर बच्चों का 100% प्लेसमेंट है। और ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे हमारे काफ़ी रेपुटेटेड मतलब इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए एमटेक है, मोस्ट ऑफ देम आर एमटेक एंड पीएचडी आल्सो वी आर सर्चिंग लॉट। सो यहाँ पे प्लेसमेंट भी 100% है। यहाँ पे एक योकोहामा, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट आए हैं, जैसे कि योकोहामा लिमिटेड है वो गुजरात में है, तो मोस्ट ऑफ देम आर प्लेस्ड देयर। और हाँ, और बहुत सारे प्लेसमेंट अभी आ भी रहे हैं, प्रोसेस में है, जितने बच्चे हैं वो दे आर गेटिंग सेलेक्टेड देयर। व्हाट एल्स आई कैन से? बेस्ट विशेस। आप भी जो बहुत ईमानदारी से योर इंट्रोडक्शन, जस्ट गिव योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आरजे मनोज है, रेडियो सिटी पे मैं काम करता हूँ, तकरीबन यहाँ पे 5.5 साल हो गए। ओवरऑल मुझे तकरीबन 15 साल हो गए रेडियो पे काम करते हुए।
एंड आई एंजॉय माय वर्क. तो आप ये करते हो, मैं ये करता हूँ, आप सुनते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल. आरजे मनोज हम लोग सब सुनते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही सुनती हूँ. वी ऑल हियर, इट्स अ गुड टाइम पर रेडियो अगर है तो स्ट्रेस से बाहर. पर्सनली सर मुझे 8 साल से जान NSIBM से NSU के सफर में ये भी थे हम. हाँ हाँ, थैंक यू सो मच मैम, इट्स रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. सो अब हम जा रहे हैं एक दूसरे सेक्शन में. अब हम नीचे में जो एक दो लैब है वो भी देख लेते. राजेश सर हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे. हम लोग मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन, चलो. बहुत क्रेज है आज के यूथ में, पेरेंट्स में मास कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा क्रेज है. तो हम आपको सीधा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लेके चलते हैं, वहां पे थोड़ी बातचीत करते हैं. इस तरफ से चले. हाँ बिल्कुल, और थोड़ी अच्छा व्यू दिखाते हैं आपको. चलो सर, हम आपको दिखाएंगे एक अमेजिंग व्यू यहाँ पे. सो सर बता रहे थे कि कॉलेज जो है 5 बजे तक चलता है सर, राइट? 5 बजे. और आने कितने बजे शुरू हो जाते हैं बच्चे? बच्चे फर्स्ट शिफ्ट 7 o'clock टू 12 o'clock, सेकंड शिफ्ट चालू होती है 12 to 4:45. 5 o'clock तक हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं. तो पूरा धर्मा का व्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से. आप यहाँ से देखिए कितना जबरदस्त व्यू दिखाई दे रहा है. इमेजिन कीजिए बारिश में आप यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या वो अनुभूति होगी हमारा? हाँ, वो आप लोग का ही ग्राउंड. हाँ, पूरा हमारा ही है, पीछे का ग्राउंड वगैरह. नेचर के बीच में बसा है ये कॉलेज, हरियाली जगह जगह. वाओ, तो जो लोग अभी जुड़े उनको बता दें, हम आज हैं NSU में, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी. किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, काफी बेहतरीन इनका कंट्रीब्यूशन है. एंड आज एकदम एक लाइव एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं सिटी कैंपस स्टोर में. और जैसा कि सिटी कैंपस स्टोर बीच में थोड़ा पॉज हो गया था, बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी हमारी, लेकिन अभी वापस से आया तो मुझे फिर से मौका मिल रहा है. हम लाइक एक्सप्लोरिंग टू डिफरेंट कैंपसेस और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के स्टूडेंट्स का टैलेंट, प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों पर आपको एकदम लाइव ट्रांसपेरेंट प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं. हम लोग इधर से चलते हैं सर, होटल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से होते हैं. होटल मैनेजमेंट, तो हमारे सिटी में भी काफी सारे रेस्टोरेंट होटल्स हैं, तो आज आपको मिलवाते हैं हम कुछ लोगों से. मॉडल गेस्ट रूम का ट्रेनिंग, गेस्ट रूम की ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को यहाँ पे दी जाती है. मॉडल गेस्ट रूम, तो तकरीबन जितना मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मली सिखाया जाता है कि कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे चीजें रखी जानी चाहिए, यू नो. ये देखिए एक डमी यहाँ पे काउंटर बनाया गया है, कैश रिसीवर इन्फॉर्मेशन, अलग अलग जगह का टाइम वगैरह उसमें शो किया गया, कैसे कोई गेस्ट आता है, वाओ, तो कैसे हैंडल किया जाता है, वो सब चीज का यहाँ पर. दैट्स अमेजिंग. एक पूरा जो है आप देखिए एक सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया गया है. भाई नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में इतनी सारी चीजों की पढ़ाई होती है, समझ रहे हो आप? आई सर, उनका रेस्टोरेंट एरिया होता है. हाँ, यही एक अमेजिंग सेटअप दिखाते हैं. नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग यहाँ पे लंच या डिनर के लिए नहीं आए, बट दिस इज अ डमी सेटअप यू सी. तो बेसिकली स्टूडेंट्स को वो बिहेवियर सिखाया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाए जब कस्टमर आते हैं, जो जनरल एटिकेट्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं. सीधा सेटअप. आइए सर. हेलो सर, व्हाट्स योर गुड नेम सर? इंद्रनाथ. और कितना टाइम हो गया आपको? मेरे यहाँ अप्रॉक्स 2.5 years हो रहे हैं. हम F&B सर्विस यहाँ समझाते हैं, पढ़ाते हैं. इट्स अ बिग पार्ट, राइट? F&B सर्विस इटसेल्फ इन जमशेदपुर इज अ बिग पार्ट. इट्स अ बिग पार्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट एक्चुअली. Somehow I see a lot of improvement, जो जरूरत है उनको ट्रेनिंग की, जो ऑलरेडी वर्किंग में. हाँ, वो तो हो रहा है. आपका काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जिनको ट्रेनिंग देना उनको इतनी बारीकी से actually, कि दे लर्न सम वेरी गुड. एक्चुअली वी टीच देम द बेसिक ऑफ द होटल इंडस्ट्री, कैसे कैसे सर्विस करना है, प्लस यहाँ बार में कैसे कैसे काम करना है, वेरियस एस्पेक्ट्स, गेस्ट को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन कैसे देखना है, वी टीच देम द बेसिक. उसके बाद वो लोग जाते हैं 4th semester में टू द होटल, जहाँ उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है इंटर्नशिप में. हाँ, 6 months का इंटर्नशिप होता है. अभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दे विल गो इन नवंबर, एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड बाय ताज ग्रुप ऑफ होटल्स. अराउंड 12 होटल्स हैव केम ऑफ ताज प्रॉपर्टी, और हर एक का प्लेसमेंट हो गया है.
सो दे आर ऑलरेडी प्लेस्ड और इंटर्नशिप में दे विल गो फ्रॉम नवंबर. इन होटल मैनेजमेंट एनएसयू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. वी आर हैविंग से 100-200% प्लेसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट. मतलब फर्स्ट ईयर ऐसा है कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट हुआ है दुबई के होटल्स में एंड इंडिया के सारे टॉप प्रॉपर्टीज में बच्चे इंटर्न्स के लिए जा रहे हैं, प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं. मतलब 2020 लास्ट का जो बैच है 22 पास आउट बैच है 100% प्लेस्ड है हमारा. 21 के जो बैच है वो इंटर्न्स के लिए जा रहे हैं. 20 वाले बैच अभी इंटर्न्स आए हैं उनका प्लेसमेंट ड्राइव अभी स्टार्ट हो जाएगा. मतलब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर के एंड तक दे आर इन टू देयर जॉब्स सो दैट दे गेट द वैल्यू फॉर द मनी. जो फी दिया है कॉलेज छोड़ने के पहले 50% रिकवर कर लिया. एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो राजेश सर जब बता रहे थे जिस इंटरेस्ट से बता रहे थे ये चीजें स्टूडेंट और पेरेंट्स सोचना शुरू करते हैं लेकिन ये खुद इतने कीन है कि वो इस चीज़ से बता रहे हैं कि भाई वो भी चाहते हैं कॉलेज छोड़ते छोड़ते एक जो बच्चा है वो प्लेस हो जाए कहीं पे और वो खुशी हम देख पा रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर. ये बहुत ज़रूरी है यार. एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे वापस से बैक जाना चाहिए, फिर से एडमिशन लेना चाहिए, यहाँ पर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए. थैंक यू सो मच. तो यहाँ पे वो किचन का पूरा डमी कि कैसे किचन वर्क कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ओके, आई कैन सी ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो है वो कुछ काम कर रहे हैं. ट्रेनिंग किचन, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग किचन. हाय गाइस, क्या बना रहे हो आज? वाओ फैंटास्टिक, अगर ऋतिक रोशन तो वाओ फैंटास्टिक अमेजिंग. आ जाओ. तो हम लोग फेसबुक पर लाइव है एंड आई एम वेरी मच श्योर कि फ्यूचर में हम आप लोगों को देखेंगे बड़े होटल्स में, अच्छी जगह पर काम, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नाम रोशन करते हुए. सो लेट्स लर्न सम बेसिक फ्रॉम यू. जैसे मैं तो घर का मास्टर शेफ हूँ, घर पे खाना वाना बनाता हूँ. किन दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खाना बनाते समय? वी शुड फर्स्ट टेक केयर ऑफ हाइजीन, फर्स्ट चेक द हाइजीन ऑफ द किचन, वेरी इंपॉर्टेंट. या देन सेकेंडली यूटेंसिल्स आल्सो मस्ट बी क्लीन. बाकी लोगों को मौका देते और क्या चीज़ें ध्यान सर? और मतलब सारे चीज़ को अच्छे से फॉलो करना चाहिए प्रॉपर रेसिपीज के साथ. प्रॉपर रेसिपीज, उसमें टेस्ट नहीं है तो फिर पिटाई भी पड़ती है. हाँ सर. क्योंकि मेन तो खाना ही होता है ना, जब खाना जाता है इंसान. आप बताओ. द फर्स्ट थिंग इज द सेफ्टी इन द किचन, दैट्स द वेरी फर्स्ट रूल. So, आप बताओ. सर वी शुड हैव द मिजाप्ला रेडी बिफोर अ रेसिपी वी कुक प्रिपरेशन. आज बनाया क्या है किचन में बताओ? पनीर सामने खुशबू तो बड़ी अच्छी है सर. यहाँ मेन्यू, वो हो मेन्यू, वी हैव मेन्यू. सो एनएसयू के कैंपस के अंदर हमें ये जो स्टूडेंट्स है होटल मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं एंड दिस इज द किचन ट्रेनिंग एरिया एंड यू सी द मेन्यू एंड इस मेन्यू में आज है टमाटो धनिया शोरबा, येल्लो दाल फ्राई, पनीर मसाला, जीरा राइस और राइस खीर यानी खीर. तो चलिए, खुशबू तो आई कैन स्मेल बहुत अच्छी आ रही है. आप कहाँ से हैं सर? नेचुरली हम यहीं से हैं, जमशेदपुर से ही बिलोंग करते हैं. और कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? अप्रोक्स 18-20 years. सो एनएसयू में आपका अनुभव कैसा रहा है? कि स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बोलिए, किसी का कोई कंप्लेन है तो बताइए. नहीं नहीं, सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा. हाँ वाओ वाओ. तो सर के जो सिखाए हुए बच्चे हैं वो इंडिया के टॉप 5 स्टार्स में काम कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती. प्लीज बताइए ना सर आपका अनुभव. बिल्कुल, मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है एनएसयू के साथ. और नेचुरली बोलते ना, जो मेरे लड़के हैं, जो भी बॉयज हैं गर्ल्स हैं, बहुत अच्छा तरह से मतलब सीखने का कोशिश करते हैं और यहाँ से सीख के भी जाते हैं ना, तो उनको आगे में बहुत अच्छा काम मतलब काम आता है. वही जो सीखा हुआ है यहाँ आगे काम आता है और आगे बढ़ते जाते हैं वो. सर किचन के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करना वर्जित होता है या इस्तेमाल किया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. इस्तेमाल करना तो वर्जित ही होता है, बट रेयरली कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं, इमरजेंसी में छोड़ देते हैं. वो बहुत जरूरी है. जैसे मेरे पापा बोलते हैं मम्मी को कि टीवी देके खाना मत बनाओ, इसलिए मेरे पापा किचन में पूरा टाइम देके ऑनेस्टी से खाना बनाते हैं और टेस्ट भी आता है. पापा का खाना ज्यादा पसंद है बच्चों को. सो ये बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर जो शेफ्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पूरा डेडिकेशन, जब आप अपना डेडिकेशन 200% का डालते हो तो उसका आउटकम एक जो कस्टमर बैठा होता है वो बोलता है वाह क्या खाना बना. यू नो डेडिकेशन है वो, फूड की तरफ ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा बनेगा खाना. बोलते ना मन से बनाया हुआ खाना ही बहुत टेस्टी है. दैट लॉयलिटी इज रिक्वायर्ड. थैंक यू सो मच गाइज, वंडरफुल टॉकिंग टू यू. और ये जो वीडियो है अभी लाइव देख रहे लोग आरजे मनोज रेडियो सिटी फेसबुक पेज पर. ओके, सो आप लोग वहां पे जाइए, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने वीडियो को, अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. चलिए अब चलते एक दूसरे सेक्शन में.
अगर भगवान ना करे कभी आपको कोर्ट जाने की जरूरत पड़े, लेकिन हम आपको कोर्ट का जो सेटअप होता है ना पूरा वो दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और लॉ की पढ़ाई भी जैसे हमने बोला यहाँ पर होती है, तो ऑफकोर्स आपको वो पूरा सेटअप दिखाएंगे। जब आप एक कोर्ट रूम में जाते हैं तो कोर्ट रूम का माहौल कैसा होता है, यू नो जज साहब कहाँ बैठते हैं, फिर वो जो मुजरिम को खड़ा किया जाता है यहाँ पर, तो आज कटघरे में मैं खड़ा होऊंगा, सवाल आपके होंगे। और भाई अगर मैं बोलता हूँ ना कि क्यूट लगना अगर गुनाह है तो मैं हूँ क्रिमिनल, ऐसा मैं बोल के कैप्शन डाला था मैंने एनीवे। तो अभी हम आ गए हैं मास कम्युनिकेशन लैब में, दिस इज मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तो आइए एक मुआयना करते हैं। मस्त एसी चल रहा है बाबा, दिस इज द वीडियो लैब यू सी। ओहो आ जाओ अंदर आ जाओ भाई। तो ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का वीडियो लैब है, यहाँ पर मोस्टली जो मैक्सिमम शूटिंग्स वगैरह है वो यहीं पे करते होंगे, शूट्स वगैरह मैक्सिमम यहाँ पे करते होंगे। यू सी ग्रीन स्क्रीन पर देर आर कैमरास, लाइट्स, यू नो द प्रॉपर सेटअप इज देयर, एंड लाइक यू गेट स्क्रीन, रिंग लाइट्स। ओके सर, हाय, व्हाट्स योर गुड नेम सर? माय नेम इज सुमित कुमार। प्लीज बताइए थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में। ओके, मास कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो मास कम्युनिकेशन एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, इसमें बहुत अलग अलग अरीनास में अलग अलग नीच में लोग जा सकते हैं, चाहे वो जर्नलिज्म हो जाए, चाहे वो एडपीआर हो जाए, या फिर फिल्म मेकिंग हो जाए, या फिर रेडियो हो जाए, है ना। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड है और बहुत ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड फील्ड है, और जब से ऑब्वियसली ऑनलाइन और इतना डिजिटल सब कुछ हुआ है तब से तो और ज़्यादा ही लोग इंटरेस्टेड होने लगे हैं, फिर चाहे वो फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो। तो इस जगह की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सारे अरीनास को एक अच्छे से कवर करके हम लोग सारा कोर्स को करवाते हैं। इसका इस अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये स्टूडियो है हमारा छोटा सा, यहाँ पे बेसिकली हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो गए, न्यू शूट करना हो गया, वो सारा कुछ हम लोग करते हैं, और बगल वाले डिपार्टमेंट में वहाँ पे हमारा बाकी का सारा एडिटिंग का काम होता है। वहाँ भी अगर तो ये NSU कैंपस के अंदर हम आपको मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, और जैसे कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मास कम्युनिकेशन का। ये दिस इज़ दी ऑडियो लैब, और मेरा संबंध इसी फील्ड से है, तो ऑफ कोर्स आई कैन सी अ कंसोल। ये ऑडियो लैब है, यहाँ पे एडिटिंग भी हम लोग करते हैं, बाकी के सारे जो भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं सर सबकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग यहीं करते हैं, एडिटिंग भी हम लोग यहीं करते हैं। ऑलराइट, है ना। अभी ऑलरेडी दिस इज अ साउंड प्रूफ रूम, राइट? इट इज अ साउंड प्रूफ, साउंड प्रूफ रूम है। ओके, तो आप देखिए एक उन्होंने एक बुलेटिन बनाई, अभी तो ये रॉ है इसलिए। तो आप देखिए जो शूट वहाँ पे हुआ है ग्रीन स्क्रीन पर, उसको यहाँ पे थोड़ा एडिट किया गया है, अब नाउ साउंड डब किया जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग साउंड डब किया जा रहा है। नहीं, साउंड ऑलरेडी रिकॉर्डेड, साउंड ऑलरेडी रिकॉर्डेड, हम लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं, अभी प्रोसेस ही कर रहे हैं, टेक्स्ट वगैरह आएंगे, बाकी के ग्राफिक्स वगैरह आएंगे, वो सारा कुछ डाल के फिर फाइनल। एंड दिस इज सो गुड, लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, जब आप आते हो एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनते हो और जब आपको ऐसा एक्सपोजर मिले ना, आपका कॉन्फिडेंस 200% पे रहता है। सर कितना जरूरी है, क्योंकि आपने भी पढ़ाई करी होगी, इट्स रियली रिक्वायर्ड, राइट? या इट इज रिक्वायर्ड, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए बच्चे इंटरेस्टेड भी ज्यादा होते हैं आज के डेट में, है ना। खास करके अब तो ऐसा हो गया है कि आप अपने पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पहले तो फिर भी आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती थी और सबकी जरूरत पड़ती थी, अब तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एब्सोल्युटली सर, है ना, बस आपको जो चीज सीखनी है वो है स्किल्स, है ना, राइट? तो यहाँ हम लोग काफी ज्यादा फॉर्चुनेट हैं आपका नेताजी फर्स्ट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और स्टूडेंट्स भी बहुत जल्दी प्लेस हो रहे हैं अलग अलग, है ना। हाँ एग्जैक्टली, और फर्स्ट बैच इस साल से हमारा मास्टर्स भी चालू हो गया है, है ना, मास्टर्स स्टार्ट हो रहा है, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। तो उस वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को, है ना, क्योंकि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और तो राजस्थान ने पहले बोल दिया बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यू कम। कोविड की वजह से तो ये थोड़ा सा और ज्यादा एक इशू था, खास करके जो इधर के जो जितने बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, सरायकेला के हैं, और आसपास के जितने एरियाज के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली होपफुली वील फ्लरिश। ऑफकोर्स जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं आप लोग वो बिल्कुल रंग लाएगी। तो और भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर कुछ, एडिटिंग लैब, या ये हम आपको एक झलक दिखाते हैं, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, भेज दो एडिटिंग लैब आप देखिए। तो एक टाइम पे सर यहाँ पे कितने बच्चे होते हैं? एक टाइम पे चार या पांच ही होते हैं, क्योंकि सबको तो एडिटिंग नहीं करते हैं, ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है, उनके प्रैक्टिस के लिए, जिनको प्रैक्टिस करना है वो अपना आकर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो सेपरेट यहाँ पर बिना डिस्टर्बेंस के आप सीख सके, इसलिए एक रूम बनाया गया। ओके, अब हम चलेंगे मूड कोर्ट रूम, चलते हैं कोर्ट रूम चलते हैं। चलिए फाइनली अब सुनवाई का वक्त हो गया है, तो हम चलते हैं सुनवाई के लिए। हाय सर, नमस्कार, कैसे हैं आप सर? सर थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए और बात करते करते चलते हैं। अच्छा अच्छा,
मैं यहाँ 2018 से जो है कि लॉ डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी हूँ और हमारे यहाँ 3 बच्चे से आज के डेट में 100+ बच्चे हो जो कि हमारे सारे फैकल्टी और मैनेजमेंट मिल के आज के डेट में लॉ डिपार्टमेंट का एक नाम जो है उन्होंने क्रिएट किया है जी। सो आप आइए हमारे यहाँ जो है कि कुछ बच्चे हैं जी जो कि मूव कोर्ट जो है एक प्रैक्टिकल का काम है जो हमारे कोर्स में प्रैक्टिकल से रिलेटेड काम होती है जी। जो हाय हेलो सब आप जो रेडियो सिटी की तरफ से है जो फाइनल ईयर में जो है जो भी बच्चे होते हैं उनका मूव कोर्ट एक प्रैक्टिकल पेपर है जो हम लोग कोर्ट का जस्ट लाइक अ कोर्ट का जो भी प्रोसीजर्स है उसको हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। बच्चे को बताते हैं कि कल के डेट में ये पास आउट होंगे तो उनको दिक्कत ना हो कोर्ट में जाके, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज उनको हम लोग यहाँ देते हैं मूव कोर्ट के थ्रू में। बाकी हमारे यहाँ सर बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलम में ये मूव कोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं राइट, क्योंकि ऑलरेडी माहौल बहुत सीरियस है, मुझे आदत नहीं है सीरियस माहौल की। यस हेलो सर, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सर कैसे हैं सर? फाइन सर। आपका अनुभव यहाँ पर कैसा है? हमारा बीइंग ए लॉ पर्सनल, हम अपने यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि हमारे बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक हैं और वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस अनुभवी हैं, वो अपने बच्चों से घुट देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, वेरी गुड, वी अप्रिशिएट एवरीथिंग। और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो चूँकि ये मूट कोर्ट में हम ये भी बच्चे लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, तो ये भी है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्कीम बनाया है सिलेबस का कंटेंट लॉ के लिए, उसके माध्यम से एक्स्ट्रा करिकुलम रिलेटिंग टू द कोर्ट एक्टिविटीज इज मैंडेटरी। हेंस वी विद द हेल्प ऑफ ऑल माय फैकल्टीज वी प्रिपेयर्ड आवर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आल्सो एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड वी फाउंड दैट आवर स्टूडेंट इज डूइंग वेल। जज का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आज किस चीज़ की सुनवाई हो रही है? आज हो रही है कि हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जो क्लाइंट काउंसलिंग होती है आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ योर कोर्स, जो आप क्लाइंट काउंसलिंग करेंगे उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या आप बेहतर कैसे काउंसलिंग कर पाएंगे ताकि वो आपके यहाँ से एकेडमिक लाइफ को कंप्लीट करने के बाद वो आपके करियर में काम आए। तो चूंकि ये हाँ हर एक स्टूडेंट, आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सर हम एज ए टाइपिस्ट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कुछ भी केस का कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें एक टाइपिस्ट रहता है जो जजमेंट साइटेशन वगैरह को टाइप करके जो दोनों पार्टी दोनों काम बहुत फास्ट होता है, उनका काम बहुत फास्ट होता है, इवन उनको हिंदी में भी टाइपिंग बहुत फास्ट करना पड़ता है, तो मेन मेरा वो रोल प्ले हो रहा है। आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आप यस आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं बताइए। सो माई सेल्फ सदाम हुसैन, आई एम द फाइनल ईयर ऑफ लॉ स्टूडेंट, ठीक है ना। एज सर ऑलरेडी टेल यू दैट इट इज़ अ बेसिकली अ डेमो रूम जी, डेमो कोर्ट रूम। तो इन दिस आई एम प्लेइंग माई रोल एज अ पेशकार और अ टाइमर। वट हैपन ना वेन देर इज एन अ प्रेजेंटेशन और अ कोर्ट रूम देर इज एन अ हियरिंग, वट हैपन देन टाइमर इज रिक्वायर्ड दैट वट टाइम इज बीन अलॉटेड फॉर अ क्लाइंट एंड हाउ इट विल बी इंटरेस्टेड फॉर दैट ओनली इट इज काइंड ऑफ माई रोल इज बीन गिवन टू मी। थैंक यू वेरी मच। आपका एक्सपीरियंस कैसा है ओवरऑल इस कॉलेज में? इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। आई फाउंड मतलब इफ यू सी दैट इन झारखंड देर इज अ नो लॉ, मतलब देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ कॉलेज, स्पेशली इन जमशेदपुर वी हैव एन वन ऑप्शन दैट इज कॉपरेटिव, बट अपार्ट फ्रॉम दैट NSU वन ऑफ द कॉलेज वेयर वी गेट बोथ द एक्सपोजर फ्रॉम, बिकॉज लॉ इज वॉट इज ना समथिंग वट यू हैव टू बी इन अ प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली। तो दिस इज वॉट मतलब काइंड ऑफ स्टडी एंड स्टडी काइंड ऑफ मेटेरियल वट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस कॉलेज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट टू डेज बैक वी हैव डन द लीगल एड कैम्प विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बार काउंसिल, वी आर गोइंग रेगुलर अ कोर्ट, वी आर डूइंग एन इंटर्नशिप 45 डेज इंटर्नशिप, नाउ इट्स अ कोर्ट रूम, तो इट इज़ एन ऑसम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस कॉलेज एंड आई बिलीव दैट वी विल गेट अ डेफिनेटली सम फ्यूचर गोल विल बी हैपन फ्रॉम दिस कॉलेज इटसेल्फ फ्रॉम यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच। जिस फ्लुएंसी से आपने बोला मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है भविष्य आपका बहुत ही सुनहरा है। थैंक यू। हाँ वाह सर का नंबर ले लेंगे हम काम आएंगे आगे। ओके प्लीज़ बताइए, सबसे पहले तो अपने नाम बताइए आप। माई सेल्फ अंजलि शर्मा। माई सेल्फ सफक परवीन। माई सेल्फ वर्षा राज। माई सेल्फ सत्यम सिंह। ओके क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप लोग? हियर वी आर डूइंग अ क्लाइंट काउंसलिंग एंड वी आर द काउंसिल एंड वी आर द क्लाइंट्स। ओके
सो किन दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, यू नो, वेयर यू आर प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज ऑफ कोर्स, एंड द क्लियर फैक्ट्स, फैक्ट्स क्लियर, एक दो आप ही बता दो, इश्यूज अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके, the decorum of the court should be maintained. When you are in the court, there are some rules and protocols which needs to be followed, be it the advocates, be it the clients, or anyone whoever is present in the court. The decorum should be maintained, and that's what I would like to mention. Aap bhi kuch do shabd keh dijiye. Ethics must be maintained between the clients and the advocates in the court. So NSU से आप इन इनके प्रतिभा को देख रहे हैं कि अपने आप को कैसे वो शेप अप कर रहे हैं. हमारे पास ये ऑडियंस है, मतलब जो ये इनका रोल क्या है? ओके, सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक चटर्जी है. बताइए आपका एक्सपीरियंस, बताइए कोर्ट रूम में अगर कैसा लगा? कोर्ट रूम में तो आके सब सलमान खान की तरफ से नहीं, हम कार वाला केस नहीं, नहीं नहीं, हम लोग ऑब्जर्वर हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग जूनियर हैं, और इन हम लोगों को देखना काफ़ी अच्छा लगता है, और इनके बाद हम लोग भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं. तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो हमें डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन करना होता है, और वहीं इन लोगों को देख के सीख रहा हूँ आर्बिट्रेशन, जैसे कैसे दोनों के बीच में जब ये होती है कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उन्हें कैसे आर्बिट्रेटर सॉल्व करते हैं बीच में आके, वही हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं. अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. यस सर, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए. सर, माय नेम इज़ अनमोल आनंद एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर हियर, एंड बेसिकली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड लाइक मूड कोच एंड वॉट एवर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वॉट एवर दे कैन गेट. जी, तो बिकॉज लॉ इज़ नॉट अबाउट ओनली थ्योरी, रीडिंग द लॉ इफ यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट आउटसाइड द लॉ इज यूजलेस, एंड लॉ इज डॉर्मेंट टिल द टाइम यू कम एंड यू आस्क फॉर इट. जी, जैसे कि आपके साथ, जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है. जी, इसके बावजूद आपको ये नहीं पता है कि हमें कब इसका इसे अपने तरफ लेना है. जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं एंड सडनली यू वेर रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस, तो यहाँ पे आपका विदाउट गिविंग ए नोटिस, विदाउट एनीथिंग, सो दीज पीपल आर गेटिंग दोज एक्सपोजर्स ओनली. कि ये तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया जहाँ पे कि आपका एक खनन हुआ आपके राइट्स का. जी, कि आपको विदाउट नोटिस आपको रिमूव कर दिया गया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. तो इस वजह से हमारे पास वो लोग हो जाते हैं क्लाइंट्स. अब यहाँ पे जो लॉयर्स बन रहे हैं, दिस पीपल आर एक्चुअली फ्लावर्स हु विल बी अ लॉयर्स, एंड दिस इज अ गार्डन एक्चुअली. तो जिस गार्डन में फ्लावर्स बन रहे हैं और वो सारे के सारे जजेस होंगे, मैजिस्ट्रेट्स होंगे, एंड बैरिस्टर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, ये सारे के सारे. एंड वही चीज कि कैसे करके वो किस अप्रोच कहाँ जाना है, जैसे लोअर कोर्ट जाना है, क्योंकि अलग अलग पैनल है, बहुत सारा चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर अलग अलग ट्राइब्यूनल्स है, तो कहाँ पे कौन सा घटना हो रहा है उस हिसाब से ये लोग ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, उसके बाद फिर वहीं पे जाके. तो दीज पीपल आर बेसिकली गेटिंग दैट एक्सपोजर कि अब आगे क्या. जहाँ पे लोग फंस जाते हैं बोलते हैं आप भगवान के भरोसे, तो ये भगवान के भरोसे नहीं, नॉलेज के भरोसे, ये नॉलेज के भरोसे, लॉ के भरोसे बिठा के उनको एक जस्टिस तक ले जाते हैं. जस्ट वी आर सर्विंग, वी आर डूइंग अ सोशल जॉब एंड टू गेट पीपल जस्टिस, दैट इज द ओनली थिंग वी डू. थैंक यू सो मच, यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब, थैंक यू, थैंक यू. हाँ हाँ, वी एक्चुअली एक्सपोजर के लिए हम लोग इसमें आपका कोर्ट विजिट हो गया, लोअर कोर्ट, अभी लाइव कोर्ट लेके लाइव कोर्ट में मैजिस्ट्रेट्स वगैरह से कभी इंटरेक्शन हो जाता है इन लोगों का. अभी बेसिकली हम लोग 15-20 दिन पहले इंटायर बैच वेंट एंड दे बेसिकली हैड अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, एंड देन सेकेंडली ग्रुप्स में जाते हैं लोअर कोर्ट, सेकेंड उसके अलावा हाई कोर्ट विजिट होगा, फिर उसके बाद जेल विजिट है सबका, लोअर कोर्ट यहाँ पे जितना भी जेल है वहाँ पे जाके, कि जेल में अगर विजिट करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कहाँ से परमिशन वगैरह लेना है, वो सारा बेसिक चीज, एक जो बेसिक चीज होता है ना कि आपको अब लोअर से अब तिल से ताड़ कैसे बनाना है, तो ये लोग सब है. उसके इसके अलावा इन लोगों को अगर इंटर्नशिप है, हर सेमेस्टर इंटर्नशिप होता है, कि जैसे कि सीनियर लॉयर्स हैं उनके अंदर में इंटर्नशिप करना है, ताकि ये लोग यहाँ तो प्रैक्टिकल कितना भी हो वो वाला प्रैक्टिकल नहीं होगा जो बाहर में हो रहा है, तो ये लोग वो भी करते हैं जाके, और फिर देन दे गेट सर्टिफिकेट्स दैट इज आल्सो एडेड इन द सीवी एंड विच विल आल्सो हेल्प देम इन गेटिंग जॉब्स एट डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट्स. सो इनको हर चीज का अगर हो सके तो, जैसे कोर्ट विजिट हो गया, आपका कॉर्पोरेट विजिट हो गया, तो सब कुछ जितना हो सकता है लाइफ का डायमेंशंस सबको एक्सप्लोर करने के लिए. दैट्स ग्रेट यार, और मुझे भी यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ मिली यहाँ पे. यस प्लीज, हेलो, हाय, कैसे हैं आप? प्लीज, हाय, आई एम सोनिया सुमन. आपका नाम? मैं कोमल गुप्ता. प्लीज थोड़ा अपना रोल बताइए यहाँ पे. हम लोग NSU में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और हम लोग यहाँ पे बच्चे लोगों को प्रैक्टिकली
बुकिश लैंग्वेज से अलावा प्रैक्टिकली आप लॉ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि लास्टली हम लोग सारे लोग लॉ से ही गाइड होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग लॉ के बारे में जानिए, प्लस आप लोग खुद को हेल्प कर पाओ, प्लस सोसाइटी को हेल्प कर पाओ, क्योंकि हम लोग लॉ इसीलिए पढ़ रहे हैं. अल्टीमेटली सोसाइटी कैसे गाइड होता है, क्या मेंटेन करना पड़ता है, हम लोग एक सोसाइटी को कहा जाए कि हम लोग रक्षक हैं, तो वही चीज़ हम लोग सोसाइटी को कैसे मेंटेन पीस हो, सारा कुछ हम लोग वहीं बच्चे लोगों को सिखाते हैं. आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू दैट दे हैड परफॉर्म नुक्कड़ नाटक. नुक्कड़ नाटक एज एन इनिशिएटिव फॉर द लीगल एड. लीगल एड हम लोग को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है. हमारा एडवोकेट्स लोग का ही कर्तव्य ही है कि हम लोग सोसाइटी में सोशल जस्टिस इम्पार्ट कर सके. तो इन्होंने एक पहला कदम लिया है नुक्कड़ नाटक करके. नुक्कड़ नाटक करके इन्होंने काफ़ी अवेयरनेस यहीं गांव में किया और कल को आगे भी जाके करेंगे. और अभी हम लोग ये क्लाइंट काउंसलिंग के जो डमी हम लोग सेटअप किए हैं इसके थ्रू भी करते हैं. और मूड कोर्ट तो एज वन हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थ्योरेटिकल तक हम लोग कभी लिमिटेड नहीं रहेंगे. और हम लोग जाके इन फ्यूचर कोई भी पोस्ट हो, मजिस्ट्रेट का हो या लॉयर का, सब में बेटर परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करें. अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड देखो इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आता, पसीने बहुत आ रहे हैं मेरे को. सो एनी वे, यहाँ पे जितने लोग हैं सब फियरलेस लोग हैं, समझ रहे हो, यही जाकर फ्यूचर में लॉ को यू नो हैंडल करने वाले हैं. और जो बेसिक जो अवेयरनेस एजुकेशन है, एजुकेट करने वाले हमारे सोसाइटी को. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, वंडरफुल मीटिंग यू गाइस, थैंक यू. अब हम चलते हैं बाहर और आईटी लैब चलते हैं. थोड़ा कोई एसी वाला लैब में चलते हैं सर. मास्कॉम सही था सर, मास्कॉम वालों को इतनी फैसिलिटी सर, एसी वेसी है पूरा, क्योंकि वहाँ इक्विपमेंट्स है, मशीन है वहाँ पे, इसीलिए मशीन को ठंडा रखना बहुत जरूरी है. हम लोग एकदम शॉर्टकट चल रहे हैं. ओके ये कौन से जगह पे जा रहे हैं सर हम? फ्रंट ब्लॉक पे जा रहे हैं. ओके आईटी का जो ब्लॉक है. सो अभी लंच टाइम कितने बजे होता है सर? अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग लंच टाइम है सर. ओके बट जो क्लासेस है वो थ्रू आउट चलते रहते हैं 5 बजे से. हाँ अभी सेकंड हाफ का सेशन चालू हो गया हमारा जी. 12 to 5 वाला सेशन, 12 to 5 वाला चालू हो गया. ये दूसरे ब्लॉक में जाने का शॉर्टकट है, देखिए. लाइब्रेरी होके फिर लंच चलेंगे सर. हाँ अंदरूनी रास्तों से आपको लेकर जा रहे हैं. ओके दिस इज द लाइब्रेरी. हाँ यहाँ पे ठीक है, सही है. सो सर ये लाइब्रेरी सेक्शन ये किन के लिए है? आइए मैम. हमारी लाइब्रेरी में नमस्ते मैम, कैसे हैं? एकदम ठीक है. थोड़ा इस लाइब्रेरी के बारे में बताइए. हमारी लाइब्रेरी में सभी सब्जेक्ट्स के बुक हैं, मतलब हमारा जो कोर्स चलता है वो भी है, और जनरल भी बुक्स है, मोटिवेशनल बुक्स है, कंपटीशन बेस्ड है, रिलीजियस बुक्स है, और मतलब वैरायटी ऑफ बुक्स है हमारे पास. पूरा कंप्लीट हमारे पास में अब तक का स्टॉक. हाँ यस. फैकल्टी भी एक्सेस करते हैं, बच्चे भी हैं, रिसर्चर हैं, वो लोग भी एक्सेस करते हैं. जर्नल्स हमारे पास में नेशनल इंटरनेशनल स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे भी बहुत है ऐसा. और मतलब और आपको कितना टाइम हो गया काम पे? मैं यहाँ पे 16 इयर्स से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 16 इयर्स से. तो ओवरऑल योर एक्सपीरियंस इज गुड हो यहाँ पे? वेरी गुड. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. बुक्स वाले सेक्शन दिखाते. अच्छा तो ये सेक्शन मैंने देखा ही नहीं था अंदर का. तो ये बाहर का सेक्शन जहाँ पे रीडिंग प्लस बुक्स है. और यहाँ पर ये पूरा ये कितना बड़ा है सर? ये काफ़ी सारे बुक्स हैं भाई यहाँ पे. तो जब मैम ने बोला नियर अबाउट 32,000 बुक्स, तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि बाहर 32,000 बुक्स कैसे आएंगे. पर अभी देखिए ये जो सेक्शन है यहाँ पे सिर्फ आपको जहाँ तक ध्यान जा रहा है बुक्स और बुक्स और बुक्स यहाँ पे दिखाई देंगे. तो दिस इज लाइक जनरल लाइब्रेरी ना? जनरल यू कैन एक्सेस एवरी बुक. अकाउंट्स मुझे मेरे बीकॉम वाले दिन याद आ गए. एडवांस अकाउंटेंसी, ये देखो भाई तेरे भाई ने क्या किताबें पढ़ी हुई है जिंदगी में. ये देखो ये पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हम लोग, कोई काम नहीं आ रहे. आरजे दूसरा फील्ड.
अच्छा हाँ, हिसाब किताब वो घर का ग्रोसरी जोड़ने के लिए अकाउंट्स मैंने पढ़ लिया है उतना। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे सर? आईटी लैब चलेंगे हमारा। हम चलेंगे आईटी लैब, लेकिन कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग चलते चलते रास्ते में। सोनी भैया के हाथ को थोड़ा। सो अजय शर्मा जी लिख रहे हैं, वॉट इज द एवरेज एनुअल पैकेज ऑफ एनएसयू? डेफिनेटली जुड़े रही हमारे लाइव से, हम आपको और जानकारी देंगे। सुनील कुमार प्रसाद लिख रहे हैं एड्रेस, ये एड्रेस है पोखारी में एनएसयू नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी। अंकित कुमार लिख रहे हैं पैसा बच गया, मतलब थैंक यू सो मच बोल रहे हैं मुझे इनडायरेक्टली कि आपने दिखा दिया ये वर्चुअल टूर, वेरी नाइस। ओके, जो भी लोग देख रहे हैं थैंक यू सो मच। कृष्णा कुमार लिख रहे हैं बिग फैन, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, प्यार बनाए रखिए। और ये देखिए, आज मौसम थोड़ा मेहरबान है हमारे ऊपर तो हमें कष्ट थोड़ा कम है, वरना कल जो ह्यूमिडिटी थी, कल हम लोग गए थे गीती लता में, ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बहुत मस्त नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो नीचे आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको थैंक यू सो मच, ऑलरेडी हम 1 घंटे 25 मिनट से लाइव हैं। वाओ, यस, पकड़िए सोनू भाई। सो दिस इज हाईटेक आईटी सेंटर, ओके, एंड ये है बेसिकली कंप्यूटर लैब। हम कंप्यूटर लैब में आए हैं, आइए जानते हैं यहाँ पे लोग क्या सीख रहे हैं कंप्यूटर लैब में। कम ओह, काफ़ी बड़ा है, तो ये कंप्यूटर लैब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कौन एक्सपर्ट है हमारे? तो ये एनएसयू कैंपस में ही सर, आ जाओ, आज आपका इंटरव्यू करना है हम लोग। ठीक है, अपने नाम बताइए सर। माय नेम इज सैयद एहसान शब्बीर एंड आई एम एक्चुअली फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड आई आल्सो टेक क्लासेस इन आईटी डिपार्टमेंट एंड दिस इज आईटी लैब। कितना बड़ा लैब है सर, कितने कंप्यूटर्स हैं? ऑलमोस्ट 100 सिस्टम आपके पास हैं, तो हम लोग स्टूडेंट जो है सेक्शन वाइज हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं। बीसीए के स्टूडेंट, अभी आपको ये जो बीसीए के स्टूडेंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो गए हैं। ये प्लेस्ड हो, हाँ, ये प्लेस्ड हो गए स्टूडेंट, तो ये हाफ डे का लीव लेके आए हुए हैं। उन लोगों से हम थोड़ा बात कर सकते हैं, राइट? प्लेसमेंट इस बार कहाँ का प्लेसमेंट? सब लोग एमएनसी में इन लोग प्लेस्ड हुए हैं, एक्सेंचर, विप्रो, आईबीएम, तो ये आप डायरेक्टली स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, उनसे डायरेक्टली हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एट अ टाइम 100 लोग आराम से, हाँ, 100 हम लोग का सिस्टम जो है वर्किंग, मतलब नेट के कनेक्शन के साथ हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितना भी सॉफ्टवेयर है इसमें हम लोग जो प्रोग्रामिंग करवाते हैं यहाँ पर, टर्बोसी से लेके आप लोग MySQL हुआ या फिर VS कोड जिसमें कोडिंग ये करते हैं, पाइथन का कोड करते हैं, सब सारा इंस्टॉल किया हुआ है इसमें। चलिए, तो हम चलते हैं उधर। जो ऑलरेडी प्ले स्टूडेंट्स हैं, जो समय निकल कर इस लाइव के लिए आए हैं, उन लोगों से थोड़ा बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस हम जानते हैं कि यहाँ से वो कौन से सीख लेके गए। शशांक, हाय शशांक, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। थोड़ा कॉलेज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। बताओ अपने बारे में थोड़ा। सर, मेरा नाम शशांक त्रिपाठी है, मैं BCA 2019 और 2022 को बैच में हूँ, और अभी मेरा 4 महीने पहले मेरा जॉब हुआ विप्रो में। कहाँ पे? विप्रो। ओह वाओ, सो ऑलरेडी एक इतनी रिनाउंड कंपनी। सो यहाँ से क्या लेसन लेके गए? यहाँ से लेसन लेके गए कि कैसे कंसिस्टेंसी रहना है, हार्डवर्क करना है, कैसे स्किल को डेवलप करना है, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, और ये बहुत सारा सर्टिफिकेशन कैसे पाना है, और कैसे टाइम को मैनेज करना है, एंड सोन सोन मेन थिंग। जॉब रोल क्या है विप्रो में? डाटा एनालिस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारी, बहुत भारी पोजीशन मिली भाई को। और भी प्लेसमेंट हुआ जैसे TCS में और कैपजेमिनी में हुआ जी, और उसमें भी आया हुआ, लेकिन विप्रो थोड़ा अलग था इसलिए क्योंकि उसके साथ पढ़ाई भी मिला था, मतलब काम भी है। TCS के ऑफर को भी साइड किया आपने विप्रो? हाँ हाँ, पैकेज नहीं, नहीं पैकेज नहीं, पैकेज ऑलरेडी विप्रो में कम है, लेकिन एमटेक दे रहा है मेरे को, मतलब मेरे को आगे का पढ़ाई जो है वो स्पॉन्सरशिप कर रहा है, इसलिए विप्रो मैंने चुना। और ऐसे चलते, कैपजेमिनी भी अच्छी कंपनी, सब अच्छी कंपनी। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये भी आपको यूनिवर्सिटी से एक तोहफा मिला कि आप, हाँ, ये डिसीजन मेकिंग कर पाए? हाँ, डिग्री मैटर करता है इसलिए कभी कभी, हाँ, क्योंकि दो चीजों में बेस्ट क्या हो सकता है मेरे लिए, हाँ, चुनना भी तो एक, हाँ, दिमाग वाला, चुनना भी सही बात है। दैट्स ग्रेट यार, अमेजिंग। और किन से बात कर रहे हैं? सारे, ये आपके सारे प्लेस्ड? ओह वाओ, हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज नंदिनी एंड आई एम फ्रॉम द सेम बैच। नंदिनी, यस, ओके नंदिनी, थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैं भी सेम बैच से हूँ 2019-22 एंड मैं भी सेम ही कंपनी में प्लेस हुई हूँ विप्रो। परिवार में क्या माहौल था, उत्साह का माहौल था?
हाँ सब बहुत खुश थे क्योंकि MNC कंपनी है तो सब बहुत खुश थे कि लाइक NSC में पढ़े हैं अब इतना अच्छे से पढ़ाई हुआ है सो इतना अच्छा जगह प्लेसमेंट हुआ है आगे का मास्टर्स का पढ़ाई सबसे अच्छा यहाँ पे ही है ना कंपनी में कि हम लोग का मास्टर्स हो जा रहा है एंड हम लोग का अलग से जो कॉस्ट लगता है उसके लिए तो वो नहीं लग रहा है तो ये चीज़ बहुत अच्छा है इस कंपनी में. सो जो जूनियर्स है उनके लिए क्या टिप्स आपका रहेगा अगर वीडियो बाद में एक्सेस करके देखे आपका वाला पार्ट और उस वीडियो में उनको क्या मोटिवेशनल बात यहाँ से मिलेगा आपसे? यही बोलेंगे कि अगर कोई अच्छा जगह सबसे पहले तो अपना जो इंटरेस्ट है जो भी BCA के स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट को सबसे पहले देखें कि कहाँ पे उनका इंटरेस्ट है कौन से लैंग्वेज में या कोई भी एरिया में जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है उस पे ज़्यादा फोकस करें उससे रिलेटेड आप जॉब रोल और आगे का आपको कोई स्किल्स भी करना है तो आप बाहर से YouTube वीडियोस हैं इतने सारे कोर्सेज हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं और फिर आपको अच्छी अच्छी कंपनीज का ऐसे निकलते रहते हैं सब जॉब ऑफर्स आते रहते हैं ऑनलाइन सारे तो आप देख सकते हैं. सो यू आर हैप्पी राइट? यस आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच नंदन. एंड फिजा, ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी फिजा. कहो ना प्यार के ठीक बात आई थी तो तुम्हारा नाम ही है फिजा. बताओ अपने बारे में फिजा. यस माय नेम इज फिजा नाज. आई एम फ्रॉम BCA 6th सेमेस्टर एंड आई हैव बीन प्लेस्ड इन विप्रो. कैसा महसूस हो रहा? दोस्त लोग भी वही हैं, आप भी वहीं पहुंच गए? हाँ मतलब एक साथ प्लेस हो गए बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब बहुत सारे जंग मेरे सारे फ्रेंड्स का ऑलमोस्ट हो ही गया. तो NSU ने फिजा को कैसे बेहतर बनाया है, इम्प्रूव कैसे किया है आपको? NSU हैज़ इम्प्रूव मी अ लॉट इन माई करियर ऑल्सो एंड हैज़ टेकन मी टू अ वेरी वेल नोन कंपनी लाइक विप्रो एंड इट हैज़ स्किल्ड माई परफॉर्मेंस. टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ाए हैं बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट भी बिल्ड किए हैं अपने में जो कि लैक हो रहे थे. तो बाकी लोग टिप्स दे दो पिज़्ज़ा की तरफ से. हाँ मेरी तरफ से यही टिप्स है कि स्मार्टली वर्क करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है एंड डू योर बेस्ट एंड यू विल बी ऑलवेज प्लेस्ड इन अ गुड एंड वेल नोन कंपनी. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. वेलकम. ये थी फिज़्ज़ा और यहाँ पे ज्योति बैठी. ओह क्या बात है, फाइनली एक डिफरेंट कंपनी वाली इंसान मिल गई मुझे. बताइए थोड़ा सा अपने बारे में. एक्चुअली आई हैव क्रैक्ड 4 कंपनीज. 4 कंपनी? यस सर. मतलब वो किसको चुनू, किसको अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो. सो इट वॉज माई चॉइस टू ज्वाइन Accenture. आई स्टिल हैव नॉट ज्वाइंड Accenture. आई विल ज्वाइन इन अगस्त लास्ट. ओके सो यू आर लाइक अलाउड टू टॉक अबाउट दैट कंपनी एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नो सर देयर इज नो प्रॉब्लम. हो सकता है ऊपर से पैकेज बढ़ा दें. No sir, the package is 341,000 CTC. Wow, that's amazing. But they will give me 25,000 monthly. Amazing, that's really amazing stuff. It is the highest, so I chose it. अच्छी बात है, चमकाना भी चाहिए. Yes sir. जमशेदपुर में बोलते हैं चमकाना चाहिए. So overall, your experience in this college? Sir, I think BCA as a course is basically based on fundamentals. Too much coding is not required in this course. So my teachers who have taught me from first sem to last sem, they have really taught us very well the basics and the basic coding, which is also required in the assessment processes. Because at the companies which hire us at BCA level, they don't ask too much coding from us. Right. They just ask the basics and a little bit of coding. If you have good communication skills, you can crack them. So too much coding is not required. And if there is any student who wants to do more coding, being in NSU as a BCA student, he or she should work from themselves by self study. So for doing extra in their career. कितने दिन में कितने घंटे पढ़ती हो? Sir, I think I am not studying right now too much. I am just studying for my exams. But in the previous years, I have studied about 8 to 10 hours. That's my routine. नहीं दैट्स माई रेगुलर रूटीन. यस सर. आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सम मोर एग्जाम्स बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग अ कंपनी इफ यू डोंट नो टू मच ऑफ कोडिंग बिकॉज द इट डिपेंड्स अपॉन द रोल एंड माई रोल इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट एंड आई थिंक दैट आई डोंट नो ऑफ दैट मच लेवल सो आई शुड वर्क ऑन दैट. आई एम रीडिंग फॉर दैट सो दैट आई कैन maintain or sustain myself in that company. काफी अच्छी knowledge है आपको. Yes sir. Sustenance is the required thing. If you are you cannot sustain the if you crack that go fail. मैं अगर आधे घंटे और आपसे बात करूँ ना मैं ही क्रैक कर दूँ 2-3 कंपनी. इतनी नॉलेज है आपके पास. बट थैंक यू सो मच ज्योति, बेस्ट विशेस. रिया, हाय रिया, हाउ आर यू? 4 कंपनी. 4 कंपनी, क्या मतलब अच्छा फील हो रहा है? एटीट्यूड तो एकदम चेंज हो गया होगी लाइक ओ माय गॉड 4 कंपनियां हैं अक्कड़ बक्कड़ मुंबई वो.
How was your experience? Nice. Experience was nice. हाँ? ऐसे प्यार से बात कर रहे तुम? अरे ठीक है यार, दे दो जो जॉब तुम। नहीं। MNC company. Which city? Location has not been known. तो मुझे बताओ जो दो चीजें, जो दो टिप्स आप जो जूनियर्स हो उनको देना चाहोगे अबाउट NSU, या फिर जो आने वाले हैं स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है उनका माइंड चेंज हो, वो रिया की तरह बनना चाहते हैं, क्या टिप रहेगा? फर्स्ट तो एप्टीट्यूड पे ध्यान दें। किस पे? एप्टीट्यूड कॉन्स। ठीक है। क्योंकि प्लेसमेंट में वो बहुत कंपलसरी है, सब सारे प्लेसमेंट में आता है। एंड देन लिटिल बिट ऑफ कोडिंग, देन काम हो जाएगा। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन बस स्किल अच्छा होना चाहिए। फैमिली के क्या वर्ड्स थे अबाउट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जब आपका अच्छा प्लेसमेंट हो गया? They were happy. पार्टी करेंगे या शाम? रिया का नंबर एक्सचेंज कर लो, पार्टी करने चलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। प्रमोद सर, हेलो प्रमोद सर, कैसे? बढ़िया हूँ। थोड़ा अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद सिंह है, मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट का HOD हूँ, और मैं अभी नायक जो हम लोगों ने ब्रांच ओपन किया बायोटेक्नोलॉजी, उसका भी मैं हेड हूँ। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह एक इंडस्ट्री बेस्ड अपना टीचिंग है, इसमें हमारे बच्चे आफ्टर लर्न करने के बाद इसमें इंडस्ट्री में जॉब को जाएंगे, और काफ़ी अच्छा कोर्स है, और हमारा यूनिवर्सिटी नया स्टार्ट किया है, और इसके साथ हम लोग जो कुछ सब्जेक्ट का कम्बिनेशन में दे रहे हैं जो पूरे झारखंड में कहीं भी नहीं है, हम लोग बायोटेक के साथ IT दे रहे हैं। बच्चा चाहे तो बायोटेक के साथ IT को ऑप्ट कर सकता है, या बायोटेक के साथ फार्मेसी को ऑप्ट कर सकता है। जैसे आजकल फार्मेसी की जो भी सीटें फुल हो चुकी है, जो बच्चा फार्मा में अपना कैरियर बनाना चाहता है, हमारे बायोटेक के थ्रू वो फार्मा को पढ़ सकता है और दोनों जॉब को अवेल कर सकता है, दोनों जॉब को ले सकता है। तो यह एक अच्छा हमारा यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप है। मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग आइए, मिलिए, मेरा प्रोफाइल हमारे वेबसाइट पे है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको जानकारी चाहिए हमारी टीम है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर बात करने। थैंक यू। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। हमारे डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया। आप लोग का भी प्लेसमेंट हो गया? यस। यार प्लेसमेंट की बातें सब करो, पार्टी कोई नहीं दे रहे। क्या नाम है आप? संजीत कुमार पांडे। हाँ, तो थोड़ा अपने बारे में बताओ। सर अभी तो ये मैं एक कंपनी में पहले ऑलरेडी था, बट ये कंपनी थोड़ा डिफरेंस लगा, इसलिए मैंने अभी इसमें कैंपस लिया। पैसे मिलेंगे? नहीं बताओ। पैसे मिलेंगे सर, दोनों में मिल रहा था ऑलरेडी, उसमें भी मिल रहा था। मेंटल पीस इज मोर इंपॉर्टेंट, बट सर इसमें ये है कि मैं पहले ये काम सीख चुका हूँ, अब ये न्यू है तो इसमें थोड़ा अलग फील हो रहा है, मतलब इसीलिए मैं इसको ज्वाइन कर। एनएसयू ने तुम्हें कैसे शेकअप किया? सर बहुत अच्छा, सर सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और एक किस तरह से प्रोग्रेस होना चाहिए, स्टूडेंट को किस तरह से मतलब एक अच्छी कंपनी में फीडबैक मिले, वो सब कंपनी यहाँ से बहुत अच्छे सर से हुए। तो पता मैंने कितने रुपए से शुरुआत करी जी? अभी इन झारखंड बट मैंने जब शुरुआत करी थी 6,686 रुपये मेरे हाथ में आते थे जी। ठीक है, तो मैंने कभी पैसों पे ध्यान नहीं दिया। गो यस, बताओ क्या बता रहे थे? और सर इसके पहले भी मुझे कंपनी बहुत अच्छी थी, डाइकिन लिमिटेड, वो भी है, बट इसमें क्या है कि यस, तो बस सर इसमें सिर्फ यही है, और मतलब एक कैंपस सब सर के साथ गए थे, और अच्छे वेटर हो रहा है कि कॉलेज के थ्रू एक कैंपस हुआ है, बस इसीलिए सर मैंने। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आई विश मैं सबसे बात कर पाता, बट हमारे मेरी एनर्जी तो चार्ज है, पर मोबाइल साथ नहीं दे रहा है, सो हम यहाँ पर अभी इस हाँ ये वाला दिखा। सो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते, थोड़ा मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, अपनी भी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करने वाले एक्सक्लूसिवली एट NSU, तो आपसे मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।